चलो, आर यू गाइस रेडी? कृपया जगह ले लीजिए और लिख। अब सीरियस नोट पे मैं पहले ही मेंशन कर दूं, ये चैप्टर एलएलपी जैसा नहीं है। स्टार्टिंग से ही ऐसे कंसेप्ट आएंगे कि तुम परेशान हो जाओगे, तो अगर तुम इसको एलएलपी जैसा मस्ती या चकल्लस में निकालने की कोशिश करो तो तुम्हारी फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में ही लग जाएगी। चैप्टर तो बहुत दूर की बात है, ठीक है? तो कृपया बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है? और सबसे पहले मैं डिस्कशन ले रहा हूं फॉरेन कंपनी ये वर्ड का, अभी तो मैं डेफिनेशन भी डिस्कस नहीं कर रहा। राइट नाउ आई एम जस्ट डिस्कसिंग द वर्ड फॉरेन कंपनी। सबसे पहली बात, बातें अब मुझे मिल लेनी चाहिए, वापस ध्यान बोर्ड पे, ठीक है? सबसे पहले मैं डिस्कशन कर रहा हूं, उधर ही खड़ा हो जा। सबसे पहले डिस्कशन फॉरेन कंपनी का, कि फॉरेन कंपनी मतलब एग्जैक्टली क्या है। अब बेसिकली जब हम कहते हैं फॉरेन कंपनी, मैं बोल रहा हूं सब चीज छोड़ दो और बोर्ड पे ध्यान दो, आई गेस तुमको सीरियसनेस समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? अच्छे से समझना है चैप्टर खुशी खुशी में, तो कृपया ध्यान दो। सो फॉरेन कंपनी का यहां पे मीनिंग क्या है, सबसे पहले मैं यह समझाने की कोशिश करूंगा। लेमैन्स लैंग्वेज में, नॉर्मल मीनिंग में, हम फॉरेन कंपनी इस एंगल से लेते हैं, मतलब रैशनल पर्सन नॉर्मल मीनिंग लेमैन्स लैंग्वेज में अगर जानना चाहे तो हमारे लिए हर कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है वो फॉरेन कंपनी है। एवरी सिंगल कंपनी विच इज आउटसाइड इंडिया हम उसको फॉरेन कंपनी बोलते हैं। देश के बाहर बनी है मतलब फॉरेन कंपनी है। दिस इज वॉट वी हैव अ स्टीरियोटाइप इन माइंड। पर याद रखना, तुम्हारा रैशनल पर्सन या लेमैन पर्सन का मीनिंग एंड फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन का मीनिंग, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। सो तुम अगर किसी कंपनी को नॉर्मली अगर फॉरेन में बनी है तो फॉरेन कंपनी मान रहे हो, तो आप उसको फॉरेन कंपनी मानते रहो। हम लेमेंस वाली चीजों को यहां चेंज नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे लिए अभी डेफिनेशन पढ़ने के पहले, एज ए लेमैन, बर्कशायर हैथवे भी फॉरेन कंपनी है, फेसबुक भी फॉरेन कंपनी है, मेटा भी फॉरेन कंपनी है, Amazon भी फॉरेन कंपनी है। ये सब तुम्हारे लिए एक है कि भैया ये सब इंडिया के बाहर बने मतलब फॉरेन कंपनी है। पर आफ्टर दिस डेफिनेशन, बाहर रुको दो मिनट, बट आफ्टर दिस डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलू, जरूरत नहीं है दिखने की बाहर रुको बोला तो। सो आफ्टर दिस डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलू कि भाई फॉरेन कंपनी क्या है, तो तुम्हारी मीनिंग चेंज हो जानी चाहिए। सो लेमैन लैंग्वेज में जो बाहर बना है वो फॉरेन कंपनी है, पर एज पर डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 फॉरेन कंपनी समथिंग डिफरेंट। अब एज पर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 42 फॉरेन कंपनी क्या है, आप वही रही है, किधर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, दैट्स ऑल, क्योंकि कंसेप्ट बहुत बेकार है, ठीक है? तो मैं खुद डिस्कस कर रहा हूं, मार्किंग के लिए समय दूंगा, 2 सबसेक्शन नंबर 42 में डिस्कस कर रहा हूं, आप वही रहिएगा। फॉरेन कंपनी मींस, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दिया है, इंक्लूड वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने बोला वही रहिए। सो मैंने बोला फॉरेन कंपनी मींस, दैट इज अ कौन सा डेफिनेशन बोले एक बार, उसे एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, विच मींस एनी कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। मैंने आपको एलएलपी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट का पहले मीनिंग समझाया है, बोलो हाँ या ना? सो इट मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया by itself or through one or more agent physically or electronically and conducts a business activity in India in any other manner। मतलब ऐसा कंपनी जो देश के बाहर बना है। अच्छा, ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ कंपनी, एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट बोला है, और बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग हम देख चुके हैं। सो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो देश के बाहर बना है, मुझे बताओ, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी तो आता ही है, साथ में एलएलपी आता है, बोलो हाँ है ना? इसलिए देखो, आज मैंने आपको फॉरेन एलएलपी नहीं पढ़ाया, बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन ओनली, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन एलएलपी कैसे जज करते हैं, समझ में आ रहा है? तो सिंपल मीनिंग है, एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस, कहां पे? इंडिया, एंड उस बिजनेस, उस प्लेस से बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, डजंट मैटर फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली कर रहा है, पर बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, इसको फॉरेन कंपनी कहा जाता है। सो द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ फॉरेन कंपनी, इट मस्ट बी अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। क्या एसेंशियल चीज है? कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया चाहिए, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फिजिकली चलेगा, एंड उस एरिया से बिजनेस कंडक्ट कर रहा है।
उस एरिया से क्या कंडक्ट कर रहा है, बोले एक बात उसे बिजनेस। नाउ मैं इसको वापस ऊपर लेके जाऊं, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। अब आप पेन उठाइए और मेरे साथ साथ में लिखना शुरू कर दीजिए प्लीज। चलिए सो मुझे पॉइंट्स बोलिए, फॉरेन कंपनी बनने के लिए क्या क्या जरूरी है बच्चों। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन क्या है? नहीं, पॉइंट नंबर वन है कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी और क्या बोले एक बार उसे बॉडी कॉर्पोरेट। कैन यू टेल मी बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन हमने कौन से सेक्शन में देखा था एलएलपी में? टू सबसेक्शन नंबर 11 याद आया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का 210 में, बॉडी कॉर्पोरेट का 211 में। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एवरीबडी बोलो हाँ या ना, लास्ट बेंचेस कॉर्नर्स बोलो हाँ या ना। सो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, नाउ प्लीज टू अंडरस्टैंड बॉडी कॉर्पोरेट का 211 वाला मीनिंग में क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट में बोला है कंपनी, फिर बोला है एलएलपी, फिर बोला है कॉर्पोरेशन और फिर बोला है स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। याद आया, ये चार लोग बोले हैं। सो कंपनी, एलएलपी, कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। बॉडी कॉर्पोरेट में हमने यही मीनिंग देखा है, एलएलपी में बोलो हाँ या ना, लिख के रखिए वहां मेरे रेफर एलएलपी डेफिनेशन। तो अगर आप भूल गए तो 211 के डेफिनेशन आपको वहां पे काम में आएगी, रेफर एलएलपी डेफिनेशन। ये आपका पॉइंट नंबर वन है। तो मुझे एक बार वापस से बोलिए, पॉइंट नंबर वन क्या है सब जन, बोले एक बार, कंपनी है या क्या है बोले एक बार उसे? बॉडी कॉर्पोरेट। पॉइंट नंबर टू अब बोलिए, इनकॉर्पोरेटेड कहां पे है? इनकॉर्पोरेटेड कहां सब जन बोलो? आउटसाइड इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया हियर? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया हियर? मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल समंदर में, हाँ सिर्फ हाई सीज में, जमीन के ऊपर क्या नहीं, 12 नॉटिकल माइल जमीन पे मत गिनना, कराची तक पहुंच जाओगे तुम। समझ में आ रहा है? सो मेरे देश की धरती और उसके कितने नॉटिकल माइल्स? 12। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिया। पॉइंट नंबर थ्री, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस, पीओबी बोलते हैं हम इसको प्यार से, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है पहली बार? इंडिया। जोर से बोलो, प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है? इंडिया। मुझे बताओ ये प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में किस प्रकार से है? फिजिकली भी हो सकता है, या प्लेस ऑफ बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, अमेजॉन बोलो हाँ है ना, अलीबाबा। अमेजॉन ने तो पहले प्लेस ऑफ बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली खोला था ना, बोलो हाँ है ना, अलीबाबा। हैव यू हर्ड ईबे? ईबे इज अ वेबसाइट, पहले अभी तो इसका आया पर कुछ साल ऐसे थे जब ईबे का सिर्फ वेबसाइट था इंडिया में और आप उससे प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते थे, उनका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं था, ठीक है। उन्होंने एक प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ देकर रखा था कि यहां कम्युनिकेशन करना है तो करना, और वो भी एंटरटेन करते नहीं थे, तो ऐसा उस हिसाब से ये चलता था, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया। पॉइंट नंबर फोर, कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम सच अ प्लेस। कंडक्ट क्या बोले बाजू से? बिजनेस फ्रॉम सच अ प्लेस, फ्रॉम सच क्या बोले बाजू से? प्लेस, उस एरिया से बिजनेस करने कर रहे हैं। कंडक्ट अ बिजनेस फ्रॉम सच अ प्लेस, बिजनेस करवाना जरूरी है। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस फ्रॉम सच अ प्लेस? ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलहाल, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है बट फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंडक्ट अ बिजनेस फ्रॉम सच अ प्लेस? इन इंडिया तो है बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस? बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो ये कैसे दिखा सकते हो आप? मुझे एक बात बताओ, क्या इसके लिए कोई सेल होना जरूरी है? वेदर सेल ऑफ प्रोडक्ट नेसेसरी? बोलो हाँ या ना, वेदर सेल ऑफ प्रोडक्ट इज नेसेसरी? आंसर है नो, प्रोडक्ट सेल होना कंपलसरी नहीं है। वेदर इस बिजनेस में प्रॉफिट होना नेसेसरी है? तो इट कैन बी ऑफ अ प्रॉफिट, इट कैन बी ऑफ अ लॉस, डजंट मैटर। तो सर जरूरी क्या है? अगर सेल ऑफ प्रोडक्ट नेसेसरी नहीं है तो ऐसी कौन सी चीज है जो जरूरी है? तो मैं मेंशन करना चाहूंगा, इंटेंशन टू डू द बिजनेस जरूरी है। इंटेंशन टू डू क्या बोले बाजू से? बिजनेस जरूरी है। सर क्या मजाक कर रहे हो? एग्जांपल बताओ इसका, एक आधा। रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस ने इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस खोला, उनकी मिनिमम एक कार 3.5-3.75 करोड़ की आती है। इंडिया में रोल्स रॉयस कुछ सिलेक्टेड लोग ही चलाते, उसमें से एक अमिताभ बच्चन है, और गिन के इंडिया में 5-7 रोल्स रॉयस होगी। अब रोल्स रॉयस तुमको लगता है क्या कि हर साल कार बेच सकती होगी? सो इस बार रोल्स रॉयस ने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में खोला, साल भर में एक भी कार नहीं बेची, नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट इज सोल्ड। तो क्या आप ऐसा बोलोगे रोल्स रॉयस बिजनेस नहीं कर रहा? इट इज स्टिल डूइंग द बिजनेस।
क्या मैं ये कह सकता हूं एक साल में एक भी कार नहीं बेची गई तो बिजनेस लॉस में होगा? हो सकता है, पॉसिबली, बोलो हाँ है ना। पर क्या इसका मतलब यह है कि बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहा? बिजनेस तो स्टिल कंडक्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये तो एक मैंने रोल्स रॉयस का एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल कोई आर्म्स एंड एम्युनिशंस कंपनी है, जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस कंपनी इंडिया में आई, इंडिया में उसने बिजनेस खोला, समझो ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। नॉर्मली फॉरेन में आर्म्स एंड एम्युनिशंस के शॉप्स रहते हैं, लिटरली शॉप, मतलब आप बाहर से गन खुद परचेस कर सकते हो लाइसेंस लेके, एंड दे कैन हैव गन्स। यूएस में तो अपरंपार चलता है, खुद की पर्सनल गन कभी भी मेंटेन, इंडिया में लाइसेंसिंग नहीं मिलता, इंडिया में देसी कट्टे चलते। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी कंपनी ने आर्म्स एम्युनिशंस वाली गन का शॉप यहां पे खोला, एक भी गन साल भर में सेल आउट नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है क्या वो बिजनेस नहीं कर रहे? सो दैट्स व्हाई व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, सेल ऑफ प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। प्रॉफिट और लॉस इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है? इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन है तो वो बिजनेस है। आप हर रोज दुकान खोल के बैठे हो, कोई अगर आए और आप उसको बेच दो तो उसे बिजनेस कहा जाता है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फोर्थ पॉइंट। क्यों मैंने फोर्थ पॉइंट का मीनिंग बोल दिया? क्योंकि आई वॉन्ट टू कंक्लूड द फोर्थ पॉइंट राइट नाउ, सो दैट आई कैन फोकस ऑन दीज थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मैंने कंक्लूड कर दिया क्योंकि मुझे ऊपर के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार सुनो, यहां तक आइडिया क्लियर है सबको मैं क्या कह रहा हूं? सबको समझ में आ रहा है पक्का? बोलो हाँ है ना। चलो इसको लिख के रखो दो मिनट के लिए। आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ, लिख लिया सबने? ओके आओ फर्स्ट। अब मैं आपको एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, कृपया फोकस कीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी, एक बार ये तीनों पॉइंट मुझे बोलिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कंपनी और क्या है? सब जन बोले एक बार, बॉडी कॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेटेड कहां है? आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है? इंडिया। फिजिकली और क्या बोले एक बार उसे? इलेक्ट्रॉनिकली। बोलो हाँ है ना। तो उसको हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, लेमैन्स लैंग्वेज में हर कंपनी जो बाहर बन रही थी वो फॉरेन कंपनी थी लेमैन लैंग्वेज में? पर अब मुझे एक बात बताओ, एज पर डेफिनेशन, क्या हर कंपनी जो बाहर बन रही है वो फॉरेन रहेगी? नहीं। जब तक उसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तब तक उसे हम फॉरेन कंपनी का दर्जा नहीं देते। तो आज से तुम्हारे लिए फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन चेंज। इफ इट इज हैविंग सम कनेक्शन और द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया तो ही वो हमारे लायक की है। नहीं तो एक बात सोचो, कंपनी यूएस की बिजनेस अफ्रीका में, हम उसको क्यों पहचाने? इंडियन लॉ उसको क्यों पहचाने? क्या जरूरत है कि इंडियन लॉ उसको रिकॉग्नाइज करे? तो इंडियन लॉ उसको बिल्कुल रिकॉग्नाइज करने करेगा, क्योंकि कंपनी बनी यूएस में चल अफ्रीका में रही है, तो इंडियन लॉ बोलेगा मेरा क्या लेना देना। बराबर है? फेमा में तो भी हम अप्लाई करते थे अगर पीआर आएगा, कोई ना कोई आउटस्टेशन वाला ओनर कंट्रोल वाला एंटरप्राइज था, यहां तो वो भी नहीं है। समझ में आ रहा है? सो इसलिए हमारे लिए आज से फॉरेन कंपनी सिर्फ वो है जो बाहर बनी है और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस यहां है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सुनो, एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैडम जागो जीवन में, समझ में आ रहा है पक्का? बोलो हाँ या ना। अब कंफ्यूजन की बारी आई है, कृपया आप आ जाइए इस चैप्टर के पहले सेक्शन के ऊपर, पेज नंबर है 11.6 और वहां सेक्शन 379 दिया है, 379 सबसेक्शन 1 एंड 379 सबसेक्शन 2 दिख रहा है सबको, 379। अब जरा रीड कीजिए, ये समझ के रीड कीजिएगा कि फॉरेन कंपनी डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, ये याद रखिएगा और फिर रीड कीजिएगा। डेफिनेशन के हिसाब से फॉरेन कंपनी क्या है ये याद रखिए और फिर रीड कीजिए। ऊपर का सबसेक्शन 1 अभी नहीं समझा तो भी चलेगा, द इंपॉर्टेंस इज ऑफ सबसेक्शन 2। बोर्ड पे मैं एक मार्किंग कर रहा हूं, उसको ध्यान में रखिएगा सिर्फ।
रीड किया सबने? एनीवन विथ एनी क्लू? क्या समझा बोलो? कहां पे? कौन सी फॉरेन कंपनी? लेमेंस वाली फॉरेन कंपनी या डेफिनेशन वाली? सो अगर कोई डेफिनेशन वाली फॉरेन कंपनी है, डेफिनेशन जो सेटिस्फाई कर रही है कि उसने 242 कंप्लाई कर लिया, ओके, वो फॉरेन कंपनी क्वालिफाई हो चुकी है, और अगर इंडियन पर्सन का या सिटीजन का या इंडिया के किसी भी पर्सन का उसमें 50% से ज्यादा स्टेक है या 50% भी है, तो वो कंपनी को हम क्या मानेंगे? सच अ फॉरेन कंपनी जिसके अंदर 50% या उससे ज्यादा स्टेक इंडियन का है, तो उसको हम क्या बोले? क्या उसको हम फॉरेन कंपनी बोले या उन्होंने ये बोला है कि उसको ये कंपनी लॉ लगेगा? और किसको कंपनी लॉ स्टार्टिंग से लगता है? जो इंडियन कंपनी होती है। तो कैन आई से सच अ फॉरेन कंपनी जो 242 को कंप्लाई कर रही है, जिसमें 50% इंडियन का स्टेक है, उसको मैं डीम्ड इंडियन कंपनी कह सकता हूं? कैन आई से लाइक दिस? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो यस और नो। वापस आ जाओ अपने चार्ट के ऊपर, यहां पे इसको करो कर्ली ब्रैकेट, नीचे लिखो कंप्लाई विथ ऑल फोर कंडीशंस, कंप्लाई विथ ऑल फोर कंडीशंस। इसके आंसर आएंगे दो पार्ट्स में। क्या कंप्लायंस किया? यस। क्या कंप्लायंस किया? नो। कंप्लायंस किया यस मतलब ऑल फोर से कंप्लायंस किया है, नो मतलब एनी वन इज कॉन्ट्रावेंड, एनी वन इज नॉट कंप्लाइड। बोलो हाँ या ना, सोच के लिखिए। क्या सही लिख रहा हूं? बोलो यस और नो। सो कंप्लाई किया अगर मैं बोल रहा हूं यस, तो चारों से कंप्लायंस होगा, बोलो हाँ या ना। और अगर मैंने बोला नहीं किया तो कोई एक भी तोड़ा तो भी चल जाएगा, बोलो यस और नो। सो इधर यस और नो, अगर कंप्लायंस किया है तो वी विल कॉल इट एज अ प्योर फॉरेन कंपनी, वी विल कॉल इट एज अ क्या बोलेगा उसे? प्योर फॉरेन कंपनी एज पर डेफिनेशन। मतलब हमें जो फॉरेन कंपनी एक्सपेक्टेड है वो ये है, समझ में आ रहा है? और अगर आपने चारों में से किसी भी कंडीशन को कंप्लाय नहीं किया, चारों में से किसी भी कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया, तो क्या मैं इसको फॉरेन कंपनी बोलूंगा? नहीं, हम उसको बोलेंगे एनए। हम उसको क्या बोलेंगे? एनए। नॉट अप्लीकेबल बोलो, नॉट रिलेवेंट बोलो, हम उसको जानते नहीं बोलो, हम उसको पहचानते नहीं बोलो, कुछ भी बोलो, पर उसको फॉरेन कंपनी या डीम्ड इंडियन कंपनी मत बोलो। समझ में आ रहा है पक्का? बोलो हाँ या ना। सिचुएशन यहां से तब चेंज होता है जब प्योर फॉरेन कंपनी का दो पार्ट होता है। प्योर फॉरेन कंपनी का कितना पार्ट होता है? बोले एक बार, दो। एक तो जिसमें 50% और मोर स्टेक, 50% और मोर। देखो मेजॉरिटी नहीं है, आधे बच्चे एग्जाम में जाने तक के इसको, फाइनल के भी आधे बच्चे एग्जाम में जाने तक के इसको मेजॉरिटी मानना शुरू करते हैं। गलती मत करना, इट इज एग्जैक्ट 50% भी चल जाएगा, इट इज 50% और मोर। सो अगर यह कंपनी का 50% और मोर स्टेक इंडियंस होल्ड कर रहे हैं, बाय किसने बोले बाजो से? इंडियंस। या तो फिर इस कंपनी का मोर देन 50% स्टेक बोलेंगे हम आउटसाइड आउटसाइड इंडिया हेल्ड किया हुआ है। आउटसाइड इंडिया क्या किया हुआ है? बोले बाजो से होल्ड किया गया है। अब मुझे एक बात बताओ, 50% और मोर स्टेक अगर इंडिया में होल्ड किया गया है, व्हाट यू विल कॉल दिस कंपनी? जोर से बोलो, व्हाट यू विल कॉल दिस कंपनी? It will be deemed Indian company, DIC. It will be deemed Indian company. And जिसका more than 50% stake outside India hold किया है वो, it will be still pure foreign company. It will be still pure foreign company. है ना, उसका थोड़ी situation change हुआ। It will be still कौन सा company बोले एक बार जो से? Pure foreign company. बोलो हाँ है ना। मुझे बताओ डीम्ड इंडियन कंपनी को कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? जोर से बोलो, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? द कंपनीज एक्ट 2013 पूरे तरीके से अप्लाई हो जाएगा। मतलब आप इसके प्लेस ऑफ बिजनेस को ऐसा ट्रीट करो जैसे वो यहां का हेड ऑफिस है,
वो फॉरेन कंपनी का यहां का हेड ऑफिस है और उसको कंपनी से एक्ट लगाना है, ऐसा समझो कि वो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड ऑफिस ही है उस कंपनी का। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर ना। नीचे प्योर फॉरेन कंपनी है तो उसको क्या लगेगा? चैप्टर फॉरेन कंपनी। चैप्टर फॉरेन कंपनी कहां से कहां तक है बच्चों? सेक्शंस बोलो कहां से कहां तक है? 379 से लेके 393 कौन से एक्ट का? ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आ रहा है पक्का? ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 25 भिखारी लिख लिया सबने बच्चों? बोलो हाँ है ना? एवरीबॉडी यहां तक समझ में आया पक्का? आइडिया क्लियर है? तो अब मुझे बताओ तुम्हें फॉरेन कंपनी का कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अरे बोले ऐसे ना, नहीं आया, आ ही नहीं सकता। नीचे एक डायग्राम दिया है अगले पेज पे, दिख रहा है सबको? ओके, अब उस डायग्राम के अंदर ऑलरेडी मैंने कुछ चीजें मेंशन करके रखी है, ध्यान देना। सबसे पहले मैंने लिखा है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दिख रहा है? इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया लिखा है, दिख रहा है? तो वो तो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड तो इंडियन कंपनी हो गया, बोलो हाँ या ना, लिख कर रखो इंडियन कंपनी। और इंडियन कंपनी है तो उसको क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? कंपनीज एक्ट 2013। तो उसमें कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं। दूसरा, इनकॉर्पोरेटेड इन कहां लिखा है? बोले एक बार उसे फॉरेन, तो कहना है इसे आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुआ है। जोर से बोले सर ना। तो नीचे चार केस दिए, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर। अब आपको स्टेटस डिटरमाइन करना है और कौन सी चीजें एप्लीकेबल होगी डिसाइड करना है, ठीक है? मैं ले रहा हूं केस नंबर वन। Are you guys ready? Okay, incorporation outside India confirm है, ठीक है? Company है, body corporate है, confirm है, मतलब पहले दो point already satisfied है, ठीक है? Company और body corporate है, and incorporation कहाँ है सब जन? बोलो outside India। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? उधर so incorporation कहाँ है? Outside India। और company और क्या है? बोले एक बार उसे LLP। Now case number one में incorporation outside India, company LLP का, एंड प्लेस ऑफ बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया ही है। क्या 50% शेयर कैपिटल इंडिया में है? आंसर उसका नो है। तो मुझे एक बार बताओ स्टेटस ऑफ दिस कंपनी विल बी व्हाट? ये कंपनी का स्टेटस क्या है? ये कंपनी का स्टेटस क्या है? इनकॉर्पोरेशन बाहर है, प्लेस ऑफ बिजनेस भी बाहर है, तो स्टेटस क्या है? फॉरेन कंपनी नहीं भाई, एनए स्टेटस है। लिख के दिया एनए स्टेटस वहां पे, फिर भी यहां आके किलो से मिट्टी खानी छे। समझ में आया? तो इसको क्या एप्लीकेबल होगा? जो हमारा नहीं है उसको क्या ही लगा लोगे आप? बोलो हाँ या ना? जब हमारा है तो कुछ लगाएंगे ना? सो लॉज एप्लीकेबल एनए। समझ में आ रहा है सबको? दूसरा, इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस फॉरेन है। इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस फॉरेन, और 50% शेयर होल्डर इंडिया में। आंसर है यस। स्टेटस, स्टेटस, स्टेटस। समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। कंपनी का नाम है सन्नी लिमिटेड। सन्नी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया? अरे बोलो हाँ या ना? सन्नी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फिर प्लेस ऑफ बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया ही था। अरे बोलो हाँ या ना? क्या इंडिया में कोई इंटरेस्ट था उसका पहले? नहीं। तो हम उसको पहचानते थे क्या? एने। तो कुछ लगाते थे क्या? बिल्कुल एने। समझ में आ रहा है? फिर सन्नी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया ही था, पर 50% शेयर होल्डर इंटरेस्टेड हो गए। हुए नहीं हुए? पर मुझे बताओ, सिर्फ शेयर होल्डर इंटरेस्टेड होने से क्या वो इंडियन हो गई? स्टिल एने। चल अभी भी नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉरेन में है। लगाने के लिए इंडिया में तो आना, मतलब Are you understanding? तो इसको क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा एने। फिर सन्नी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और बिग बॉस में एंट्री किया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बिग बॉस वाला हा? बाकी नहीं, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या बोले एक बार उसे? इन इंडिया। फिर बेबी डॉल में सोने दी, बोलो हाँ है ना? सो प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है? इंडिया। पर इमेजिन 50% शेयर होल्डर अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे इंटरेस्टेड हो गए थे पर दिखा थोड़ी सकते थे, ऐसे खुल के दिखाएंगे हम इंटरेस्टेड है करके? बिल्कुल नहीं। तो ये स्टेटस क्या होगा इसका? प्योर फॉरेन कंपनी।
प्योर फॉरेन कंपनी, पुअर नहीं भिखारी, प्योर, इट इज अ प्योर फॉरेन कंपनी। तो अब अगर क्या ये हमारे देश के हिसाब से हमारे आ गई है क्या ये देश में बिजनेस करने के लिए? अब देश में बिजनेस करने के लिए आई है तो क्या इसको लगाना चाहिए? क्या लगाओगे? चैप्टर फॉरेन कंपनी बेटा, बाकी कुछ नहीं लगाने का है, सिर्फ चैप्टर फॉरेन लॉ लगाने का है बस। चैप्टर फॉरेन कंपनी 379 से लेके 393। फिर उसके कुछ दिनों बाद इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया ही है और 50% इंडियन ही शेयर होल्डर है, अभी तो इन्वेस्टमेंट भी इंडियन है। तो मुझे बताओ क्या वो फॉरेन बची है क्या? अभी तो इंडियन ही लगती है ना भाई, साड़ी वाड़ी बोला सॉरी। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडियन कंपनी लगती है, तो विल बी कॉल्ड एज डीम्ड इंडियन कंपनी, DIC। बोलो हाँ ना, तो लगाने का है DIC, सॉरी लगाने का है कंपनीज एक्ट 2013। अरे DIC इज अ डीम्ड इंडियन कंपनी ना, तो लगाने का है DIC को कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आइडिया क्लियर है सबको? हाँ ना, एवरीबडी यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोले यस और नो? स्पेलिंग गलत है ना, मेरे को ही मालूम है, पर क्या करे अभी जीवन में। यार एक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? चलो ये चीज को आप अच्छे तरीके से याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज कौन सा कंपनी बोले एक बार, उसे फॉरेन कंपनी एंड साथ में डीम्ड इंडियन कंपनी, दोनों डेफिनेशन होते हैं खत्म। पर खत्म नहीं हुआ, पूछो क्या, एक बहुत जोर से सवाल आया है, इतने जोर से आया है कि मतलब वो मतलब पांडे पांडे रे पांड्या, पांडे के लिए पोयम आई है बहुत जोर से, पांडे रे पांड्या दुकान मांड्या, पांड्याची किल्ली हरवली, पांड्याच्या बायकोने पांड्याला झोडपली, सवेरे से सो रहा है नाला है, रात को सोया करना क्यों और कते करते रहता है, नवंबर चल रहा है, फोकस, आर यू गाइस रेडी? ध्यान देना, ये ऐसे आ जा क्यों रहे, ऐसे बीच में उठ के आ रहे, बीच में उठ के आ रहे, सो फोकस। सनी से याद आ गया क्या? वो भूल गया शायद नवंबर चल रहा करके। आगे आगे, अब फोकस फोकस, पूरा ध्यान मेरी तरफ, एक मस्त बहुत जोर से सवाल आया, पूछो क्या, जोर से पूछो, ऐसे प्यार प्यार से पूछो, ऐसे प्यार से पूछो, कौन सा हाँ बाबू, हाँ मैंने सोना ऐसा, हाँ अब सवाल बताऊंगा। समझो कोई बाहर इनकॉर्पोरेटेड, इतना भी टॉर्चरस चैप्टर नहीं है मैडम, अच्छा चैप्टर है, सिर से हाथ हटाओ अच्छे से पढ़ो तो मेरे लिखा क्या दिक्कत है जीवन में। सो फोकस, समझो कोई फॉरेन कंपनी है दुबई की, समझो खलीफा लिमिटेड, क्या बुर्ज खलीफा, दुबई में बुर्ज खलीफा है ना इतना लंबा, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, अरे इतना लंबा नहीं इतना लंबा, समझ में आ रहा? सो दुबई में बुर्ज खलीफा है तो दुबई की कंपनी है खलीफा लिमिटेड, कौन सी कंपनी? खलीफा, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना मियां, ध्यान दो। सो दुबई की कंपनी, सो दुबई की कंपनी है कौन सी बोले एक बार जो सर? खलीफा लिमिटेड। हैदराबादी रे उन्होंने यारो समझ नहीं रहे यारो, क्या उनको कब से बोल रहा मैं खलीफा लिमिटेड करके यारो। सो फोकस, दुबई की कंपनी खलीफा लिमिटेड, उनका यहां पे एक बिजनेस है पर बिजनेस का सेटअप नहीं है, जो बिजनेस चलाता है वो सिर्फ एजेंट है और वो सिर्फ होटल रूम से खुद का बिजनेस करता है। पॉसिबल है ना यार, आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम रूम नहीं चल सकता क्या? वर्क फ्रॉम रूम भी चल सकता है, तो खलीफा लिमिटेड का यहां पर होटल में एक एजेंट बैठा है और होटल के रूम से वो बिजनेस कर रहा है। सर कितने दिन बैठा है क्या फर्क पड़ता है? बिजनेस करने का इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है, भले क्लाइंट्स आए, सॉरी मतलब भले ही बिजनेस हो या ना हो, पर क्या इंटेंशन है? बोलो हाँ या ना। तो अगर एजेंट होटल से बिजनेस कर रहा है खलीफा लिमिटेड का, तो मुझे बताओ क्या वो होटल रूम को प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, और क्या वो होटल रूम को प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है खलीफा लिमिटेड का स्टेटस कि उसको फॉरेन कंपनी बोलना है या नहीं। बोलो क्या उसको प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए? बोलो बोलो सोचो,
सोच के बोलना मेरे को, सोच के, मानू या नहीं मानू, मानने का नहीं मानने का, बोलो। बोलो उसको प्लेस ऑफ बिजनेस माने या नहीं माने। ओके अब बहुत अच्छे से ध्यान देना, फोकस। ये जो एजेंट वाला केस मैंने होटल बिजनेस का बोला है, इट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो फाइनल पे पूछा गया था, जिसमें इंस्टीट्यूट ने दो अलग अलग अटेम्प्ट में पूछ के दोनों अटेम्प्ट में अलग अलग आंसर दिए हैं। एक में बोला है कि इसको प्लेस ऑफ बिजनेस मानो, और एक में बोला है इसको प्लेस ऑफ बिजनेस मत मानो, और इसके पीछे इंस्टीट्यूट ने रीजन दिया है कि दो अलग अलग अटेम्प्ट में दो अलग अलग आंसर क्यों दिए। पहले अटेम्प्ट में उन्होंने यह बोला था कि होटल से बिजनेस चल रहा है, एजेंट होटल में बैठा है, पर वो बिजनेस के वजह से इंडिया में आया है, बिजनेस के लिए नहीं, हमने सेम फेमा में देखा था। और दूसरे केस में उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि वो बिजनेस के लिए आया है, बिजनेस के वजह से नहीं। सर क्या मजाक कर रहे हो, क्या डिफरेंस है दोनों में, सुनिएगा बहुत अच्छे से सुनिएगा। खलीफा लिमिटेड दुबई की कंपनी है, उसको इंडिया से ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, इंडिया से ऑलरेडी एक क्या मिला हुआ है, प्रोजेक्ट, इसलिए उसका एजेंट यहां पे आके होटल रूम में के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है, पर प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी मिल गया था, बोलो हाँ है ना। तो वो बिजनेस के लिए आया है कि के वजह से आया है, और अगर वो उस रीजन के वजह से आया है तो क्या उसको प्लेस ऑफ बिजनेस मानना चाहिए, नहीं, ही इज जस्ट ऑन विजिट। वही अगर खलीफा लिमिटेड का एजेंट इंडिया में पहले आ गया है और सब्सटेंशियल क्लाइंट्स को ढूंढ रहा है, उनको ढूंढ के फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इंडिया में बिजनेस बना रहा है, तो के वजह से आया है या के लिए आया है, तो बिजनेस के लिए आया है तो उस केस में उसको प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाए। तो इस लेवल के माइन्यूट डिफेक्ट्स को कंसिडर करते हुए फॉरेन कंपनी के सवाल पूछे जाते हैं, ये चीज को आपने बहुत अच्छे से याद रखना। सर व्हाट इफ अगर पेपर में नहीं दिया हो कि के लिए आया के वजह से, या ये असेस नहीं कर सकते हो, तो ऐसे सिचुएशन में ये मानना कि वो के लिए आया है, बिजनेस के लिए आया है, और तुमने उसको फॉरेन कंपनी डिक्लेयर कर देना चाहिए। एडिशनली मैं क्रॉस रेफरेंस दे रहा हूं इसी चैप्टर के सेक्शन 386 का, जहां पे इंस्टीट्यूट ने एक सिर्फ लाइन लिखी है, एक लाइन प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। थर्ड पॉइंट में, सी पॉइंट में अगर आप देखोगे, पहले इसमें सर्टिफाइड का मीनिंग है, दूसरा डायरेक्टर का मीनिंग है, दोनों काम के नहीं है। सी वाले पॉइंट में उन्होंने सिर्फ एक एक्सप्रेशन लिखा है, और वो लिखा है द प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर ट्रांसफर एंड रजिस्टर्ड ऑफिस। आपको पता है ये एक लाइन के भरोसे पे इंस्टीट्यूट ने 5 से 7 मल्टीपल अटेम्प्ट्स में 4-4 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ इसी लाइन के ऊपर पूछा है कि फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन बोलो, क्रॉस रेफरेंस में 386 बोलो, पॉइंट नंबर सी का वो एक लाइन लिखो, और फिर एक्सप्लेनेशन में बोलो कि भैया ये फॉरेन कंपनी है क्या। मतलब ऐसी कोई कंपनी, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल छोड़ो, बर्कशायर हैथवे, बर्कशायर हैथवे का इंडिया में कोई बिजनेस सेटअप नहीं है, पर बर्कशायर हैथवे के बहुत सारे इन्वेस्टर अगर इंडिया में है, तो बर्कशायर हैथवे ने इंडिया में एक सेटअप ओपन किया, ठीक है, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर ऑफिस ओपन किया, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर यहां थे तो शेयर ट्रांसफर का हैसल होता था, तो बर्कशायर हैथवे ने इंडिया में एक शेयर ट्रांसफर रजिस्टर ऑफिस ओपन किया। तो सवाल है कि बर्कशायर हैथवे क्या फॉरेन कंपनी है, तो आंसर आपको यस लिख के आना है, क्योंकि उन्होंने उसको काय में कंसिडर किया है, बोले एक बार प्लेस ऑफ बिजनेस। नीचे उन्होंने उसके हिसाब से क्वेश्चंस भी पूछे हैं, एग्जामाइन विद रेफरेंस टू द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग शेयर्ड रजिस्टर्ड ऑफिस एट द मुंबई, इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी इन सिंगापुर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस देयर, तो आंसर लिखा है ही हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया विदर इटसेल्फ और थ्रू एजेंट फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली, तो ऐसे सिचुएशन में उसको फॉरेन कंपनी कहा जाएगा। सो इस लेवल के डेफिनेशन पे सवाल पूछे जाते हैं, एकदम माइन्यूट, मतलब तुम पूरी डेफिनेशन भी पढ़ के जाओ तो वहां पे वो कुछ तो भी अलग ही पूछ लेंगे। ऐसे भी सवाल एक्सपेक्टेड किए जाते हैं कि कंपनी बनी है बाहर, प्लेस ऑफ बिजनेस समंदर में है, जहां पे 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर एक जहाज के ऊपर एक बंदा बैठा है जो फिशिंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, बताओ फॉरेन कंपनी है या नहीं? नहीं। क्या फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट पहले से मिला है, या फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहां पे आपने शिप लगा के रखी है? कई सारे लोग क्रूज से बिजनेस करते हैं, आपको पता है इंडिया के धरती के ऊपर कैसीनो चलाना अलाउड नहीं है, इसलिए गोवा में जितने भी कैसीनोज हैं वो शिप के ऊपर टेरिटोरियल वाटर्स में लिए जाते हैं,
आप ग्राउंड के ऊपर कैसीनोज नहीं खोल सकते। गोवा में आप कैसीनोज खोलोगे तो टेरिटोरियल वाटर में खोलोगे। बाहर की कोई फॉरेन कंपनी है इंडिया के टेरिटोरियल वाटर के अंदर, उसने कैसीनो बिजनेस शुरू किया है, क्या फॉरेन कंपनी है या नहीं है? तो इस लेवल के सवाल तुमको आ सकते हैं, इसको एक्सपेक्ट करना। पूरे फॉरेन कंपनी चैप्टर में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर कोई चीज है तो वो एक ही है, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन। मतलब जितना समय मैंने आपको फॉरेन कंपनी डेफिनेशन के ऊपर अभी दिया है, अभी जितना भी आधा पौन घंटा मैंने दिया है, ये पूरे समय में इस चैप्टर के 5 से 6 सेक्शन खत्म हो जाएंगे, इतनी ईजी है। इसलिए पूरे चैप्टर में अगर सबसे डिफिकल्ट कोई पोर्शन है तो वह है फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन। मतलब इंस्टीट्यूट ने सिर्फ फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन के ऊपर फाइनल लेवल पे आधे क्वेश्चन पूछे हैं ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? तो ये चीज को बहुत अच्छे से याद करना, डेफिनेशन को इस हल्के में लेना मत। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये चीज को याद रखना। सो मैं ऊपर आपको, आपने जहां पे जो कुछ लिखा है वहां पे 2-3 नोट लिखवा के दे रहा हूं फॉरेन कंपनी के लिए, उस डायग्राम के नीचे। वो कृपया 1-2 नोट लिख के रखिए, आ जाइए फटाफट। ठीक है, ये डायग्राम के नीचे, नीचे जो स्पेस छोड़ा है वो एवेन्यू छोड़ा है, पूरा काम का स्पेस है, आ जाइए। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा मेरे साथ। इफ एन एजेंट ऑफ आउटसाइड कंपनी is conducting a business from hotel room in India, then if he, point number 8, if he came to finish allotted business, then it's not a place of business, hence not a foreign company. If he came to cater a new business, then it's a place of business, hence a foreign company. Point number 2, as per section 386, a share transfer and registrar office is place of business. Share transfer and registrar office is a place of business. Always remember, intention to do a business shall be there for place of business and not intention to finish an allotted business. And not intention to finish an allotted business. ये तीन main points star mark करके रखना, बहुत ज्यादा chances है तीन points में से ही आपको सवाल आएगा। मतलब पूरी definition side में, 379 side में, उसके analysis side में बहुत ज्यादा 80% chances है कि आपको ये तीन point में से सवाल आएगा। चाहिए ये चीज को याद रखिएगा, this is very important। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? Everybody yes or no? चलो सर, लेकिन अगर एग्जाम में स्टिल कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आया, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग, जिस क्वेश्चन का मतलब सर एज सच कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, बता ही नहीं पा रहे क्या करना है, तो ऑलवेज रिमेंबर, मेक एन अजम्पशन, प्रॉपर अजम्पशन कि वो बिजनेस के लिए आया है, और उसको फिर कंक्लूड करो कि वो फॉरेन कंपनी है या नहीं है। तो एक फोर्थ पॉइंट ऐड कर दीजिए, इनकेस इन एग्जाम it's not clear about
intention of business. It's not clear about intention of क्या उसे business. Then make an assumption to write the answer. And write the answer. Full stop. Assumption ले लो, answer ले लो. Sure. Done everybody. Guys, हो गया क्या? Everybody yes or no? Sure. तो यहां पे आपका डेफिनेशन खत्म होता है. 2 सबसेक्शन नंबर कौन सा? 42. साथ में सेक्शन नंबर कौन सा? 379. साथ में सेक्शन कौन सा? 386. क्लियर है? क्योंकि 386 में एडसेस बाकी और कुछ बचा ही नहीं है, वहां डायरेक्टर और वो बाकी फलते हुए डेफिनेशन दिए है. समझ में आया पक्का? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जोर से बोलो यस और नो. एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना. चलो अब ये होने के बाद में अब जो सेक्शन है वो बहुत नॉर्मलाइज है. ठीक है, बहुत नॉर्मल सेक्शन है. अच्छा एक सवाल रहा बात एलएलपी का, तो मुझे बताओ फॉरेन में अगर एलएलपी बनी है और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो उसे फॉरेन एलएलपी कहा जाएगा? नहीं, उसको फॉरेन कंपनी कहा जाएगा. क्यों? क्योंकि फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन बोलती है बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज अ फॉरेन कंपनी, तो इट नॉट बिकम्स अ फॉरेन एलएलपी. हालांकि एलएलपी एक्ट ने ये गलत लिखा है. क्यों? एलएलपी एक्ट बोलता है कि बाहर कोई अगर फॉरेन एलएलपी बना है और इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है तो फॉरेन एलएलपी माना जाएगा, पर कंपनीज एक्ट ने बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन को ऑलरेडी कवर किया है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको फॉरेन कंपनी. अब सवाल यह है कि उसको फॉरेन एलएलपी माने या फॉरेन कंपनी माने. एलएलपी बाहर बनी और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया है तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि उसको फॉरेन कंपनी माने, और एलएलपी एक्ट बोलता है उसको फॉरेन एलएलपी माने. आप बताओ क्या मानना चाहिए, कंपनी या एलएलपी? कंपनी या एलएलपी? उसको क्या माना जाना चाहिए, कंपनी या एलएलपी? एमसीए का नोटिफिकेशन फॉरेन एलएलपी या फॉरेन कंपनी? ओके सुनना, विच इज मोर स्पेसिफिक, कंपनीज एक्ट या एलएलपी एक्ट? मुझे होता कंपनीज एक्ट डिसाइड कर सकता है कुछ एलएलपी के बारे में या एलएलपी एक्ट डिसाइड करेगा? कंपनीज एक्ट एलएलपी के बारे में डिसाइड करेगा या एलएलपी एक्ट डिसाइड करेगा? तो ज्यादा स्पेसिफिक एलएलपी एक्ट है, एलएलपी के लिए ज्यादा स्पेसिफिक एलएलपी एक्ट है. ठीक है, तो आपको मानना किसका पड़ेगा? एलएलपी एक्ट का, और आपको वो एलएलपी को फॉरेन एलएलपी का दर्जा देना पड़ेगा, फॉरेन कंपनी का नहीं. ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता. ठीक है, बहुत सारे लोग अभी भी फॉरेन में बनी हुई एलएलपी को फॉरेन कंपनी मानते हैं और इंडिया का कंपनीज एक्ट फॉरेन कंपनी 379 से 393 लगाते हैं. हालांकि उसको ये लगेगा ही नहीं क्योंकि इसका स्टेटस फॉरेन एलएलपी जैसा होगा. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर नो. तो यहां पे हालांकि मैंने कंपनीज एक्ट के हिसाब से फिर भी मीनिंग लिख के दिया है कि उसको फॉरेन कंपनी मानो, बट ठीक है, ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से सही है. आपने लॉजिकली याद रखना चाहिए कि इट इज अ फॉरेन एलएलपी. इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? जोर से बोले सर नो. चलो नीचे एडिशनल नोट्स के लिए कुछ जगह छोड़ी है. अब हम आएंगे हमारे सेक्शन नंबर 380 के ऊपर. ठीक है, आर यू गाइस रेडी? ओके, ला 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 ला. ओके, अब सवाल उठता है मंडी यूनिट को स्ट्रेट बैठो फोकस. थक गया क्या? अब पिंकी मस्त रे, सोया था मस्त ऐसे, मतलब लोग उठते भी कैसे? सर एक गाना बिकरी मानुस, चलो पीटी कर लो एक बार, रेडी? सबने पीटी करनी है, जो पीटी नहीं करेगा उसको स्फूर्ति चुस्ती, सॉरी चुस्ती जो भी है. आ आ आ आ आ आ पीटी पीटी नहीं करे, चलो स्टार्ट करे, बोलो हाँ या ना. गाना क्या होता है? गाना
दाना वाना कुत्ते होता। अरे रो मत यार, उड़ा रहा रो मत, वो लड़की देखो उसकी चेहरे देखो, जीने को देखो, एक तो कौन सा गाना गा हुआ का चंदन है चंद्र, मला अजून माहिती कोणता चंदन कोणता चंद्र। रेडी शिर्डी वा, सॉरी गारा 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 रुको गारा। थैंक यू थैंक यू। कौन सा गाना गाओ अभी? अच्छा गाना याद ही नहीं आ रहा यार मेरे लिस्ट में से। देखता मैं आप एकदम थोड़ा सा अलग गाना, अलग टाइप का गाना सुनते हो क्या? अच्छा और अलग। थोड़ा सा अच्छा और अलग गाना। चलो एक गाना गाता हूं, ओरिजिनल मूवी है कोयला, गाने का नाम है दिल से। दिल से गाना सुना है? दिल से सुन लो, लेट्स गो। शांति से सुनना, बातें मत करना, गाना बीच में बंद करके पढ़ाना शुरू कर दूंगा मैं। एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी, जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी, जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे दिल से रे दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना पिया 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 ना पिया जिया जिया दिल से रे दिल से रे। दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, पेड़ों की शाखों से उतरे थे, फिर कितने मौसम गुजरे वो पत्ते दो बेचारे, फिर उगने की चाहत में जिन सहराओं से गुजरे वो पत्ते दिल 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 थे, वो दिल थे दिल 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 थे। दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी ये होगा, मौसम गुजरते ही रहते हैं। दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी ये होगा, मौसम गुजरते ही रहते हैं। दिल से दिल से दिल से दिल से दिल से रे दिल से रे दिल से रे ओ। एक
एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी, जब दिल से आह निकली थी, दिल से रहे। चलेगा। क्या हुआ? ओके, अभी कौन सा? थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू। ऐसी मारते हैं जीवन देव। बोलो यार, मराठी मेरे को एक दो ही सॉन्ग आते, पूरे नहीं आते। भोजपुरी ना, लिपस्टिक लाऊं ये? अरे एक और गाना है तेरे नाम मूवी का, सुनोगे? तेरे नाम मूवी का, तेरे नाम नहीं, देयर इज वन गाना, बहुत अच्छा गाना है, सुन लो। लगन लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी, हाय हे लगन लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी, हो आंखें तेरे दर्स को तरसे, हो आंखें तेरे दर्स को तरसे, याद में तेरे नैना बरसे, होठ पे है नाम तेरा, सांसों में है नाम तेरा, हो मेरा दिल गया 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 गया, लगन 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 लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी, हाय लगन 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 लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी, हो मेरे ख्वाबों में आ, धड़कनों में समा, आके दिल से न जा जोगिया, मेरे ख्वाबों में आ, धड़कनों में समा, आके दिल से न जा जोगिया, अब तेरे बिना दिल लगता नहीं, आके फिर तू न जा जोगिया, हो आंखें तेरे दर्स को तरसे, याद में तेरे नैना बरसे, होठ पे है नाम तेरा, सांसों में है नाम तेरा, हो मेरा दिल गया 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 गया, लगन 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 लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी, हाय लगन 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 लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी, जोगिया। चलो अच्छे, समझा रहे होंगे? नहीं, मिल गया। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। पैसा किधर? पैसा किधर? अरे ओवर एक्टिंग ना ले। चलो समझ में आया, देखो आया ना, दुख भरी गाने क्यों आ रहे हो? तो क्या अच्छा सा गाना गाना है जीवन में? चलो एक अच्छा गाना सुन दो, तुम भी याद रखोगे। रेडी? ओ खुश है ऑलरेडी, लेट्स गो। अच्छा वाला कौन सा गाना है? हंसता खेलता गाना। वो बर्फी का गाना सुने? सुन लो या गजल सुनते हो? गजल एक बहुत प्यारी गजल है, खूबसूरत नाम की, शायद तुमने कभी सुने भी नहीं होगी। गजल में बहुत खास बात होती है लिरिक्स, मतलब एक जाम लेना और गजल सुनते बैठना, ठीक है? जाम तो अब तुम्हारे पास है नहीं, ठीक है? तुम चुपचाप गजल सुन लो, पानी की बोतल ले लो साथ में, ठीक है? प्यार से सुनना,
अरे गाइस रेडी, इतना भी अच्छा नहीं गाया कि तुम यही आके बैठ जाओ ना लाइक। अरे गजल का नाम है, हालांकि ये गजल मूवी बिलोंग करती है रोग नाम की मूवी थी, और गजल का नाम है खूबसूरत। ठीक है, तुम इस गजल में उसको बंद आंखें बंद करके इमेजिन कर सकते हो कपड़ों के साथ, क्योंकि गजल बहुत अच्छी है, तो अच्छे से इमेजिन करना। ठीक है, 1 2 3 गो। लिरिक्स के ऊपर ध्यान देना। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले रहा नहीं जाता, चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। स्टांजा मस्त वाला है, एकदम प्यार से सुनना। वो मेरा हो नहीं पाएगा इस जहां में कभी, वो मेरा हो नहीं पाएगा इस जहां में कभी, रूह बनकर मिलूंगा उसको आसमां में कहीं, प्यार धरती पर फरिश्तों से किया नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, उन निगाहों में मोहब्बत नहीं तो कहो और क्या है। ब्रेकअप के बाद वाला सीन है कि दो लोग मिल रहे हैं और प्रेमी पूछ रहा है प्रेमिका से कि उन निगाहों में मोहब्बत नहीं तो और क्या है। उन निगाहों में मोहब्बत नहीं तो कहो और क्या है, और वो मुझसे कह रहा वो किसी और का है, जरा सा झूठ भी ढंग से कहा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। चलो लेट्स इट, लेट्स गो। अरे इधर ही बैठे क्या, अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं यार? नहीं नहीं, बस बस, थैंक यू। अरे थैंक यू सो मच, हाँ थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, माय माय प्लेज, थैंक यू। बेकार नहीं, अब नहीं मिलती जा। हाँ क्या हुआ, तेरी लेके आए क्या वो? गई तेरी, लेट्स गो। चलो गजल गजल सुनते हो तुम कि नहीं सुनते हो? वही सुनो तुम जीवन के अंदर दिल लो। आगे बढ़ जाए आंदना, क्या तड़कता फड़कता हो गया, तड़क भी हो गया फड़क भी हो गया, इतने सेंटी वाले गाने गए जिंदगी में तुमको। अरे तुमको तुम्हारा ना आईक्यू के साथ में इक्यू भी जीरो है, तुम्हारा इमोशनल क्वेश्चन नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास। इतना प्यारा गजल गाया, दिल टूटता ना, दिल टूटता ना तो समझते कि तुम्हारा क्या सिचुएशन था, अगर तुम्हारा दिल नहीं टूटा है ना प्रॉब्लम हो गया जीवन के अंदर। सर 11 घंटे तो क्लास में रहते, दिल का घंटा तोड़ेंगे? चलो अच्छू लेट्स गो। क्या तेरे को गाना गाना है? कोई एक गाना नहीं, आगे बढ़ते ध्यान देना फोकस। किसी को गाना गाना है क्या, किसको गाना गाना है? एनी वन वॉन्ट टू सिंग तड़कता फड़कता सॉन्ग? गाना गाना है, गाना गाना है तेरे को? कौन गाएगा, कौन गाना गाता है? अच्छा कौन गाना है, वो गाना गाती है, भेजो उसको जीवन में। कौन साक्षी गाना गाती है? अच्छी गाना गा,
कैसे जीवन में कोई टैलेंट नाम के टॉयलेंट ही है तुम्हारे पास, टैलेंट वाले नहीं, गाना गाना है तेरे को, आ जा गा। कौन गा, भेजो भेजो उसको, आओ चलो आओ जल्दी। सो विविध भारती के इस कार्यक्रम में दर्शकों के भारी मांग के ऊपर पेश किया जाता है एक होनहार फनकार, एक होनहार फनकार, ठीक है, जिनके एक बहुत खतरनाक अंदाज से आपका दिल मोहित हो जाएगा। इनका नाम है, क्या नाम है इनका, नाम है मैथिली। कुठले मन विचारते है, कुठले ही मन ऐसे, इनको तड़कता फड़कता चाहिए। अरे देखो इनका एक्शन देखो, ऐसे तड़कता चाहिए बोले। अधीर मन झाले मधुर घन आले, धुक्यातुनी न भादले सख्या प्रिया सरितुनी सुरेल धुंद सुर हे आले, अधीर मन झाले हो मी शरंगाची मोती अंगाची केवड्या गंधाची बहरले ना, उमगले रानाला देठला पानाला माझ्या सरदाराला समजले ना, आला रे काढसा घाला रे झेलला भारा रे गगन भरी झाले रे, अधीर मन झाले मधुर घन आले धुक्यातुनी न भादले सख्या प्रिया सरितुनी सुरेल धुंद स्वर हे आले, अधीर मन झाले। Thank you so much. Very good. Hey, madam, मैं आ रहा हूँ मैथिली। अरे फनकार इधर आओ। एक हिंदी गाना हो जाए अच्छा सा। हिंदी गाना है। सोचो तुझे तो है सुबह है, सोचो तुझे तो शाम है, हो सोचो तुझे तो है सुबह है, सोचो तुझे तो शाम है, मंजिलों पे अब तो मेरी है एक ही तेरा नाम है, तेरी आग में ही जलते कोयले से हीरा बनते, खाबों से आगे चल के है तुझे बताना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते, मेरा
इश्क सूफियाना मेरा, इश्क सूफियाना मेरा, इश्क सूफियाना। बहुत अच्छी आवाज है। नहीं टाइम पास नहीं, कितने लेवल सीखे हो तुम, कितने लेवल सीखे हो? बाप रे, सिंगिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं मैडम के खत्म हो गए हैं और कंप्लीट कर ले एक बार। सो संगीत विशारद ऑब्वियसली, तो आगे कैरी करो, अच्छे से गाओ, हमारे तरफ से बहुत बहुत दुआ। एक बार जोर से तालियां हो जाए, शानदार। इसको फनकार है क्या वहां पे, डसता है कैसे, गाना गाता है क्या तू? चलो बस हो गया, ध्यान दो, फोकस बोर्ड के ऊपर। नहीं क्या हतरे को एक नहीं, आ जा अवनीश, कुछ करना चाहता है? हाँ तो जा अवनीश, कुछ करना चाहता है? अच्छा कुछ करना, हेलो चलो स्टार्ट करते, बोलो हाँ या ना, देख लो ना। हेलो हर हर महादेव, चलो स्टार्ट करते, बोलो हाँ या ना। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं बीवी से झगड़ा करके आया हूँ सुबह सुबह। देखो मैं होमवर्क दे दूंगा, 6 क्वेश्चन दूंगा मैं आज सुबह। अब किसकी बीवी नहीं नालायक हो, मेरी बीवी है, एक ही बीवी है मेरे पास। कौन सी वाली नहीं, चलो आया ना, लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। बाबू वाबू नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाई करने का है और क्या करते है? गाना गाना वाना कुछ नहीं, नालायक, एग्जाम आ रही है तुम लोग की, मेरे को नहीं आता गाना। अरे भिखारियों ध्यान दो, नीचे ध्यान दो, उधर नीचे बुक में ध्यान दो भिखारी लोगों। चलो दिस ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, चलो बाय बोलो बच्चों। हाँ डेटर, हाँ डेटर, डेटर का एडिटर भी आता है मेरे को, तुम लोग को आता भी नहीं है? स्वेलिंग वेलिंग नहीं पूछना, आता है मेरे को। और कुछ नहीं आता मेरे को, क्या है? क्या है, क्या कैसा है वो भाया? चलो स्टार्ट करें अभी। अरे ऐसा करे, ऐसा ना किसी को भी फंसाना बंद करो जीवन के अंदर, किधर भी हाथ देखा रहे गाता, उसके शक्ल से दिख रहा क्या वो गाता? बाथरूम में गाता होगा सिर्फ, वो भी दूसरे के। अरे वो मेरे को दिया था गिफ्ट यार, बिक्री किया हो गिफ्ट, वापस ले रहा है यार वो। व्हाट इज दिस मैन। चलो अरे भाई जी रेडी। सो बच्चों वापस आते हैं, नाउ वी आर इन फॉरेन कंपनी चैप्टर, ठीक है? अब फॉरेन कंपनी चैप्टर में जैसे मैंने बोला सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट सिर्फ डेफिनेशन था, बट अब हमको प्रोविजंस पढ़ने और बहुत इजी पीजी प्रोविजन है। लाइव स्ट्रीम में सब बच्चे जो बने हुए हैं बहुत बढ़िया शानदार, तुम्हारा अगर एंटरटेनमेंट फनकारों के किया होगा तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। आर यू गाइस रेडी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 380, बुक के अंदर ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, यू कैन डायरेक्टली कम ऑन सेक्शन नंबर 11.11, ये पेज नंबर 11.11। आ गया सब जन? क्या हुआ? लेट्स गो, पेज नंबर निकालना है, बाद में रोते रहता है कौन सा पेज बोला, क्या बोला, काय का बोला। फाइलिंग विद द आरओसी, फाइलिंग विद द आरओसी फॉरेन कंपनी का, ई फॉर्म्स भी इन्वॉल्व होने वाला है तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, प्लीज फोकस।
लेट्स से एक कंपनी है, कंपनी का नाम है वंडर वुमन, ठीक है, कंपनी का नाम है वंडर वुमन लिमिटेड, इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, इनकॉर्पोरेटेड इन काय में बोले एक बार, यूके। अगर तीजेशी बोलू ना कोई लक्ष्य नहीं बोल रहा। सो वंडर वुमन लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन कहा बोले एक बार उसे यूके, पूरा ध्यान बोर्ड पे। उसके प्लेस ऑफ, बच्चों ध्यान प्लीज, उसने प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन किया इंडिया में, कहां ओपन किया बोले एक बार, इंडिया में। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना, हो गया एंटरटेनमेंट, हो गया, अभी बात है पढ़ने की तो पढ़ो ईमानदारी से, ठीक है, फालतूगिरी करोगे जीवन के अंदर जबरदस्ती रेस कर दूंगा, रोते बैठ जाओगे जहाज में, ठीक है, गाली वाली दूंगा दो चार, बेइज्जती कर दूंगा, चलो कह रहे ठीक है आगे। सो प्लेस ऑफ बिजनेस कहां बोले, कोलाबा बोले एक बार उसे, इंडिया। मैं प्लीज ध्यान दो, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, फ्री वाले मार्क्स दे रहा हूं जीवन में, ले लो चुपचाप। सो प्लेस ऑफ बिजनेस कहां ओपन किया बोले एक बार, इंडिया। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो, वेदर इट इज नेसेसरी कि एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन किया जाए। सो फॉरेन कंपनी लिखो वहां पे साथ साथ में, कैन हैव मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मल्टीपल पीओबी हो सकते हैं, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर फॉरेन कंपनी मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करेगा तो आरओसी क्या उसके सभी प्लेस ऑफ बिजनेस से कम्युनिकेट करते बैठेगा क्या? तो अगर फॉरेन कंपनी के मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसमें से फॉरेन कंपनी ने सिलेक्ट करके बोलना है कि उसका पीपीओबी कौन सा है। व्हाट इज पीपीओबी? द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से ही कम्युनिकेशन किए जाएंगे। मतलब अगर इंडिया में 5-7 प्लेस ऑफ बिजनेस है तो ओनली प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस विल बी लायबल फॉर कम्युनिकेशन सभी प्लेस ऑफ बिजनेस के बिहाफ पे, ठीक है। फिर नीचे बोला गया है फर्स्ट प्लेस ऑफ बिजनेस जो वो इंडिया में ओपन करेगा, इसलिए देखो मल्टीपल के केस में फर्स्ट प्लेस ऑफ बिजनेस जो इंडिया में ओपन करेगा, फॉर एग्जांपल ओपन किया पूना में, तो 30 डेज के अंदर FC1 फाइल करना है। कौन सा ही फॉर्म फाइल करना है बोले एक बार उसे? FC1। और FC1 में क्या डिटेल्स फाइल करना है वो नीचे दिए है। अब उन तीन, उनको मैंने तीन फॉर्म में डिवाइड किया है डिटेल्स को, डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग पर्सन, मतलब फॉरेन कंपनी जो चला रहा है उनके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फॉरेन कंपनी हेड ऑफिस में जो चला रहा है, डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। अब पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्योंकि वो इजी है। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट मतलब क्या? MOA, OA, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बायलॉस, अदर इंफॉर्मेशन जो ROC या RBI वगैरह या किसी भी अथॉरिटी के हिसाब से रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फॉरेन कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है तो IRDA वाली इन्फॉर्मेशन दे दो, आपकी फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो RBI वाली इन्फॉर्मेशन दे दो, तो अथॉरिटी जो इन्फॉर्मेशन मांगे वो वाले डॉक्यूमेंट्स दे दो, क्लियर है कॉन्सेप्ट। दूसरा, रिगार्डिंग ऑफिस प्लेस ऑफ बिजनेस, आपको फुल एड्रेस बोलना है, रजिस्टर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस जो फॉरेन का है, यूके का आपका जो हेड ऑफिस है उसका एड्रेस देना है, साथ में इंडिया का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस दो, साथ में अगर तुमने पास्ट में कभी प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन किया था पर अभी क्लोज कर दिया है उसका एड्रेस दो। बैकग्राउंड में आंसर राइटिंग पॉइंट्स का वर्किंग शुरू रखिए, ठीक है, बैकग्राउंड में आंसर राइटिंग पॉइंट कि भैया कंपनी ने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ओपन किया तो FC1 के अंदर 30 डेज के अंदर उसने ये डॉक्यूमेंट फाइल करने है। और इनमें आप पार्ट कर सकते हो, जैसे इफ दिस इज अ पॉइंट नंबर 1, दिस विल बी योर ए, रादर देन उल्टा जाएंगे ए बी एंड सी, क्लियर है, ए बी सी में भी सब पॉइंटिंग आएगा 1, 2, 3, 4 काइंड ऑफ दिस, समझ में आ रहा है। सो मुझे एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना है? तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, अब क्यों मैं यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट लिखा हूं? देखो इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट MOA, OA, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, बोलो हाँ है ना, पर जरूरी है कि बाहर के देश में MOA, OA और सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन होगा? नहीं, दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हारे कंट्री के हिसाब से तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में जो भी चीज आती है वो देनी है तुम्हारे कंट्री के हिसाब से, फिर MOA, OA हमारे हिसाब से बनाना है क्योंकि हमारे यहां प्लेस ऑफ बिजनेस खोल रहे हो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉरेन कंट्री का, फिर बायलॉस, फिर अदर इन्फॉर्मेशन, प्लेस ऑफ बिजनेस और रजिस्टर्ड ऑफिस में HO के डिटेल्स, सभी प्लेस ऑफ बिजनेस के डिटेल, ओल्ड कभी भी आपने खोला है बन किया है उसके डिटेल, ओल्ड वाला खोला और बन किया उसके डिटेल क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए जब आपने ओल्ड खोला था तो कोई फ्रॉड करके तो बंद नहीं किया, समझ में आ रहा है। और फिर आपने डिटेल देने हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी के नेम एंड एड्रेस, जो पर्सन इंडिया में लायबल है, एंड डिक्लेरेशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दैट क्वालिफिकेशन उनके पास है, ये ऑफिसर के पास क्वालिफिकेशन है टू फॉर्म अ कंपनी इन इंडिया, मतलब उनको इंडिया में कंपनी बनाने से बार नहीं किया गया है। इफ यू डोंट नो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव वन लिस्ट
which list is called as willful defaulters list. एक बार सब जन बोलो क्या बोला जाता है willful defaulters list. इस लिस्ट के अंदर जितने लोगों का नाम होता है वो लोगों को इंडिया में कोई भी एंटिटी बनाना बैन किया गया है. कोई भी एंटिटी, इट्स नॉट जस्ट कंपनी, कोई भी एंटिटी. और इस लिस्ट को टॉप करते हैं नीरव मोदी, विजय माल्या. देर आर फ्यू क्रिमिनल्स ऑल्सो जैसे दाऊद इब्राहिम, ठीक है. देर आर फ्यू टेररिस्ट ऑल्सो जिनके नाम इसके ऊपर दिए है. इनसे इनके किसी भी पर्सन ने या इनके रिलेटिव ने इंडिया में कोई भी एंटिटी बनाना अलाउड नहीं है. विलफुल डिफॉल्टर्स ये फाइनेंशियली होते हैं, जो मैंने दाऊद इब्राहिम टेररिस्ट के नाम बोले, दोज आर ब्लैकलिस्टेड पर्संस. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो आपने ये आइडेंटिफाई करके बोलना है कि आपको आपको इंडिया में कंपनी बनाने से किसी ने रोका नहीं है. ये डिक्लेरेशन आपको देना जरूरी है. क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ है ना? ना ही आपको, ना ही आपके किसी रिलेटिव को. तो आप देखो ओवरऑल इसको मैंने इस हिसाब से अरेंज किया है. पहले कंपनी की डिटेल ले लो, मतलब पहले इंडिया में जो बन रहा है उसकी डिटेल ले लो, फिर कंपनी के डिटेल ले लो, और फिर उसके बाद में कंपनी के लोगों के डिटेल ले लो. और ये बनाया भी ऐसा है, पहले बाहर के डिटेल्स फिर इंडिया के डिटेल्स, ठीक है. जैसे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बाहर के है, फिर एमओए इंडिया का है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिया का है. समझ में आ रहा है? बोलो हाँ आ रहा. फिर आप दूसरा देखोगे अगर रजिस्टर्ड ऑफिस, तो हेड ऑफिस के डिटेल, फिर प्लेस ऑफ बिजनेस के डिटेल, फिर ओपन क्लोज के डिटेल, फिर उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्रेटरी फॉरेन के डिटेल, फिर इंडिया में जो पर्सन लायबल है उसके डिटेल, और फिर साथ में डिक्लेरेशन. तो इसको अगर आप प्रॉपरली लॉजिकली देखोगे ना, तो पहले मैंने सबसे लिया है कि भाई साहब इंडिया में क्या ओपन करना है उसका, फिर बाहर के ऑफिसेस का, फिर उनके पर्संस का. और वो इस डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया कि पहले बाहर के इंफॉर्मेशन, फिर इंडिया के इंफॉर्मेशन, फिर जो जरूरी है वो. कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसका पूरा एक लिस्ट आपको याद होना चाहिए. एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. रेडी, 1 2 3 बोलो क्या है. सबसे पहले अगर आपने प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे खोला, इंडिया, तो आपने आरओसी को कौन से फॉर्म में फाइल करना है? FC-1. तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, दूसरा वाला कौन सा है? रजिस्टर्ड ऑफिस, प्लेस ऑफ बिजनेस, तीसरा वाला पर्सनल डिटेल. कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले बाहर के, तो क्या हमको उसका नाम याद है? नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट. दूसरा MOA, तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, चौथा बायलॉज वगैरह. क्लियर? और भी कोई डॉक्यूमेंट होंगे एज पर अथॉरिटी ले लो भाई साहब. फिर उसके बाद में रजिस्टर्ड ऑफिस के डिटेल, हेड ऑफिस के. क्लियर है? उसका एड्रेस वगैरह. दूसरा, प्लेस ऑफ बिजनेस जो इंडिया में खोले हैं कितने हैं, उसमें से प्रिंसिपल कौन सा है. तीसरा वाला, अर्लियर आपने कभी प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन या क्लोज किया था क्या? तो मुलिंदा बगड़ा बंद कर, लक्ष्य दे जरा सा बोर्ड वरना लायका, ठीक है. सो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के बाद में अगर तुमने प्लेस ऑफ बिजनेस खोला या बंद किया है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर तुमने उसको बोलना है. फिर पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्रेटरी का डिटेल, दूसरा नेम एंड एड्रेस वगैरह देना है, तीसरा डिक्लेरेशन कि आपको इंडिया में कंपनी ओपन करने से रोका नहीं गया है. ये डॉक्यूमेंट तुमने आरओसी को फाइल करने के बाद में आरओसी इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तुम्हारी फॉरेन कंपनी को रजिस्टर करेगा. पर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी है, दे नहीं सकता. सो आपकी एज अ फॉरेन कंपनी रजिस्टर होगी. पर ये सब डॉक्यूमेंट कहां फाइल करने हैं? तो दिल्ली आरओसी को फाइल करने होते हैं, ठीक है. आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं का भी हो, फाइलिंग दिल्ली आरओसी का होना चाहिए. बिकॉज दिल्ली इज कॉल्ड एज अपेक्स आरओसी. कौन सा आरओसी बोले एक बार उसे? अपेक्स. तो दिल्ली आरओसी को फाइल करना है. साथ में आपका जहां पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, आपने वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में भी फाइल करना है, बट वो ऑप्शनल है, ठीक है. हालांकि इट इज गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इट इज रिकमेंडेड कि दिल्ली आरओसी के साथ में आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के आरओसी को भी फाइल करके रखो, ठीक है. अगर इन डॉक्यूमेंट्स में कभी भी कोई चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल चेंज आया 1 जून 2025 को, तो 30 डेज में FC-2 में ये चेंज डालना है. FC-2, तो एक नंबर में ओरिजिनल डिटेल, दो नंबर में चेंज वाली डिटेल. समझ में आ रहा है सबको? FC-2 में आपने किसको फेंक के मारने, बोले एक बार आरओसी. सो 30 जून तक के आपको आरओसी को ये डिटेल्स देने पड़ेंगे. समझ में आ रहा है पक्का? सिंपल सेक्शन है 380. कौन सा सेक्शन है बोले एक बार उसे? 380. सिर्फ इसमें कंटेंट याद रहना चाहिए. अगर आप उसको प्रॉपर सेक्टोरियल डिविजन करो तो ऑटोमेटिकली याद होगा, ठीक है. मार्किंग करने है, कर लो, गो फॉर इट फास्ट. मार्किंग हो गया, आंसर राइटिंग पॉइंट बना सकते हो आराम से, ठीक है. ट्राई करो, हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है. सिर्फ अच्छे से स्ट्रक्चर देखो, भले डायग्राम देख के बनाए तो भी चल जाएगा, पर बनाओ अच्छे से, ठीक है. आपको मैं देता हूं 5 मिनट्स, शुरू हो जाइए. लैग इशू नहीं, एक बार एग्जिट करके चेतन लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, लैग इशू कंप्लीट हो जाएगा आपका. सर नेहा को गाना गाने को बोलो. नेहा तेरे फैन, कितने फैन है यार जीवन में, ठीक है. अभी नेक्स्ट स्टेशन में गाना तूने, ठीक है.
फटाफट बना लो चलो। जम रहा क्या? बायलॉज का आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के सेंस में ले सकते हो, इट इज अ इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंट। जैसे आर्टिकल होता है तो कुछ केसेस में एड, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है तो स्टॉक एक्सचेंज को आर्टिकल के साथ में खुद के रूल डिसाइड करने होते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज सवेरे 9:30 बजे खोलेगा, 3:30 बजे बंद होगा, तो ये जो एक्स्ट्रा रूल्स आप बनाते हो अदर देन आर्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज बायलॉज। हाँ, इंडियन पर्सन सर। इंडियन पर्सन का कुछ ही इन्वेस्टमेंट होगा, हार्डली 5-10% होगा, उससे ज्यादा नहीं। एप्पल बहुत बड़ा है भाई। इंडियन पर्सन इंडियन कंपनीज में ही पहले पूरा स्टेक ले ले, बाद में बाहर का सोचे। जम गए क्या?
क्लास खत्म कब होती है सर? जब तक एक आदमी बेहोश नहीं पड़ता तब तक। चक्कर आ रहे, मुबारक हो। ऐसे बिना किसी रीजन के जो बेहोश होते हैं पता है ना क्यों होते? कोई भी रिलेशन में नहीं आ सकता हो यहां पे। जिस कंपनी में बाहर नीरव मोदी है वो यहां पे नहीं आएगी। शरोडा ने एवरीबॉडी, चलो लिखो फोकस। डन। टॉ डन। लगना हो गया गाइस, बोलो आए ना। कंप्लीट बोलो ऐसा ना। लास्ट मिनट, एनी चेंजेस? फॉर एनी चेंजेस इन द अबाउट डॉक्यूमेंट्स फाइल FC2 विद द ROC विद इन 30 डेज। डालेगा कौन सा? FC2 कौन से ROC को? ओके, सवाल है कौन से ROC को FC2 फाइल करना है, न्यू दिल्ली या जहां प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है? ओके, अब इसके बारे में बेसिकली कंपनीज एक्ट साइलेंट है, पर मैं आपको मेंशन करूंगा। नॉर्मली पहला ही फाइलिंग सिर्फ न्यू दिल्ली को करना होता है, बाद के सभी फाइलिंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वाले ROC को। चलो, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ROC लिखो, खत्म करो, मार्क्स उसी के ऊपर मिलेंगे। चलो डन एवरीबॉडी। हाउ यू गाइस डूइंग? डू यू वांट टू गो मैड? चलो डन एवरीबॉडी, फोकस। अब ये हो गया आपका, बच्चो ध्यान, ये हो गया आपका फॉरेन कंपनी का सबसे पहला फाइलिंग। सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार? 380। सेक्शन कृपया याद रखो 379 है मीनिंग का, एक बार सब जान बोलो 379 मीनिंग, 380 फाइलिंग। 380 किसका बोले एक बार? उसे फाइलिंग। उधर मत कर, टीवी से काटे मत कर उधर, वो बंद हो जाएगा जीवन में, वो बाद में पीछे वाले सब चिल्लाएंगे इधर को, पीछे वाले टीवी बंद हो गया, इसको उठा के खिड़की से बाहर फेंक देना। लेट्स गो। ये होने के बाद अगला वाला सेक्शन नंबर है 381, दैट इज अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन कंपनी। ठीक है, थक गए क्या तुम? ओके, ब्रेक चाहिए? एक मस्त प्रपोजल है, ब्रेक लो। ठीक है, अच्छा प्रपोजल है, सुन तो लो, सुनोगे तो जमेगा ना। अच्छा प्रपोजल है, फायदे की बात कर रहा हूं, सुन लो पहले ठीक से।
मैंने नियरली अभी एक डेढ़ घंटा एक सवा घंटा फॉरेन कंपनी पढ़ाया है, मेरे एंटिसिपेशन के हिसाब से मेरे को और डेढ़ घंटा फॉरेन कंपनी के लिए लगेगा। चलिए अगर ये हुआ, अगर तुम सपोर्ट करते हो तो कल का एक्स्ट्रा लेक्चर बंद, क्योंकि मेरे एक्स्ट्रा लेक्चर, सुनो मेरा एक्स्ट्रा लेक्चर के दो ही टारगेट है ना, एलएलपी और फॉरेन कंपनी। अगर दोनों आज खत्म हो गए तो मैं कल एक्स्ट्रा क्यों लूं? चाहिए? ये मैं तुम्हारी फायदे की बात कर रहा हूं, वरना कल फॉरेन कंपनी के लिए 2:15 बजे एक्स्ट्रा आना पड़ेगा। मैं दोनों चीजों के लिए रेडी हूं, आप डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए। अभी मेरे को ऐसा जो मेरे को लग रहा है मैं उसके हिसाब से बोलूं, बेटा बैठ ना, 2 मिनट बैठ तो सा, ऐसे बीच में ही खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है लक्ष्मी? सो 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, सुनना, 10 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा सा फ्रेश होके आओ। प्रोविजन इतने हेवी नहीं है, अगर प्रोविजन खुद हेवी रहते तो मैं आपको बोल रहा था कि कल देखेंगे। प्रोविजन बहुत लीनियंट है, सिंपल सिंपल प्रोविजन है, मैक्सिमम समझना है लिखना है, समझना है लिखना है, नियर टू 1.5 आवर के अंदर हो सकता है। सो अगर आप 10 मिनट का ब्रेक लोगे, अभी बजा है 6:05, 6:15 पे शाप वापस आना, 8 बजे तक का कैपेसिटी रख के आना, तो कल के एक्स्ट्रा लेक्चर बंद रहेंगे, ठीक है? पर कल रेगुलर लेक्चर है, हाँ 8 बजे वाला, ठीक है? ये चीज को याद रखना, 10 मिनट में कृपया वापस आ जाए लाइव स्ट्रीम में सब लोग। हेलो, आवाज बसला माझा?
चलो चलो टेक ए प्लेस. अभी तो 262 रहेंगे होमवर्क के हिसाब से. चलो एवरीबॉडी टेक योर प्लेस फास्ट. समय नहीं है अपने पास टाइम पास करने के लिए. चलो फास्ट टेक योर प्लेसेस एवरीबॉडी. अच्छा आर यू गाइस रेडी? अरे बोलो हाँ या ना. चल ओके एवरीबॉडी टेक योर प्लेस. अब अकाउंट्स ऑफ द कंपनी हमको फॉरेन कंपनी का समझने का है. हम जा रहे हैं सेक्शन नंबर 381 पे. कौन से सेक्शन के ऊपर बोले बाद उसे 381. गाइस 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 प्लीज फोकस. ठीक है सब चीजें छोड़ दो और बोर्ड के ऊपर ध्यान दो. ओके आर यू गाइस रेडी? ओके मेरे साथ साथ में अभी एक सिंपल सिंपल एक्शन करो तो तुमको इमीडिएटली 381 याद भी हो जाएगा. ठीक है इधर ध्यान मेरे तरफ. ऐसे करो पहली उंगली पहली. ठीक है करो ऐसा. इधर ये छोटा सा ऐसा किया सबने. फिर करो ऐसा. फिर करो ऐसा. ठीक है एक बार वापस से क्या करना है बोले एक बार. ऐसा पहला ऐसा दूसरा ऐसा और तीसरा ऐसा. पूछो क्या है ये. जोर से पूछो क्या है. लखन मंदगरदार पूछो क्या है ये. दीज आर अकाउंट्स टू बी मेंटेन बाय फॉरेन कंपनी. तो क्या मजाक कर रहे हो सर ऐसे कौन जिंदगी में. सुनना बहुत अच्छे से. सबसे पहले ऐसा मतलब फॉरेन कंपनी ने बैलेंस शीट और पीएनएल मेंटेन. बहुत अच्छे से ध्यान दो. फॉरेन कंपनी ने बैलेंस शीट पीएनएल मेंटेन करना चाहिए फॉर एवरी पीओबी. बेटा ध्यान. सो सिर्फ एक प्लेस ऑफ बिजनेस का आपने बैलेंस शीट पीएनएल सेपरेट मेंटेन करना है. ऐसा हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस का करना पड़ेगा. एक्शन करते रहो. फिर उसके बाद में इंडिया में जितने आपके प्लेस ऑफ बिजनेस है ऑल प्लेस ऑफ बिजनेसेस का आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पीएनएल मेंटेन करना है. सो पहले एक प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के सभी प्लेस ऑफ बिजनेस और फिर ये क्या होगा दुनिया के सभी प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी. समझ में आ रहा है. सो तीसरा है मेंटेन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस ऑफ द फॉरेन कंपनी. ये तीन आपको मेंटेन करने हैं. सो सिंपल ही टेक्निक बोलो हाँ ना. एक प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के सभी प्लेस ऑफ बिजनेस एंड दुनिया के सभी प्लेस ऑफ बिजनेस. ठीक है यहां बाल बनाना ठीक करना लाइक एक्शन करनी है भिखारी. लेट्स गो नेक्स्ट वाला मेंटेन एडिशनल अकाउंट्स डायरेक्टेड बाय किसने बोले एक बार उसे सीजी. सीजी अगर कोई एडिशनल अकाउंट्स बोलता है तो वो मेंटेन करने. सीजी ने एडिशनल अकाउंट्स बोले है और रूल्स में बोले है. काय में बोले बोले एक बार उसे रूल. रूल नंबर है 4 ऑफ द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2000 के वाले बारे से 14. पर वो रूल के अंदर सिनॉप्सिस क्या है मैं ये बोल रहा हूं ध्यान देना. सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बुक्स मेंटेन करो. नाउ व्हाट इज रिलेटेड पार्टी थोड़ा समझ लीजिए. पहली बात तो रिलेटेड पार्टी तुम्हारे सिलेबस का नहीं है बट स्टिल मैं आपको एक बार समझा दूं. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था दर्शन दूरदर्शन और दूरदर्शन को वाव बियर के अंदर अपॉइंट किया था जिसका मैं डायरेक्टर था याद है. और मैंने बोला था दूरदर्शन मेरे भाई को वाव बियर में अपॉइंट करना इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. तो फॉरेन कंपनी के इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस के सभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मेंशन करने हैं क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में ही दिखेंगे सबसे ज्यादा फ्रॉड. दूसरी बात रिपैट्रिएशन रजिस्टर मेंटेन करने हैं. व्हाट इज रिपैट्रिएट इट मींस सी पैट्रिएट मींस अलोकेशन. रिपैट्रिएट मतलब सोर्स को अलोकेशन. व्हाट इज सोर्स अलोकेशन. फॉरेन कंपनी अगर है रशिया की प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया तो जो भी वो इंडिया में कमाएगा कहां लेके जाएगा रशिया. दिस इज कॉल्ड रिपेट्रिएशन खुद के देश में खुद का इनकम वापस लेके जाना. एक बार सब जन बोलो क्या बोलना है. खुद के देश में खुद का इनकम वापस लेके जाना. ठीक है पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना फोकस करना बहुत अच्छे तरीके से तो समझ में आएगा.
अब यहां पे मैं रिपेट्रिएशन रजिस्टर और रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शन रजिस्टर, इसके अंदर क्या क्या मेंटेन करना है ये मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, तो बहुत अच्छे से ध्यान दो। आप वही रहिए, आप टेंशन मत लीजिए, ये रूल्स वाला पार्ट है, आप नहीं रीड करने वाले हो इसलिए मैं रीड कर रहा हूं। रिलेटेड पार्टी का पहले तो डेफिनेशन कहां पे दिया है, मुझे तो रिलेटिव का डेफिनेशन कहां है, 277 रिलेटिव रिलेटेड TIVETED आई और ई के वजह से रिलेटेड पार्टी सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 में आता है रिलेटिव के पहले, समझ में आ रहा है। तो ये एक और डेफिनेशन है जो अभी आपको याद रखना है, पर पूरी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि रिलेटेड पार्टी की सिर्फ डेफिनेशन भी हमने खोल ली तो 2 घंटा सिर्फ डेफिनेशन में जाएगा, इतनी बड़ी डेफिनेशन है। और फाइनल लेवल पे अगेन आई विल टेल यू, आई हैव टू मेंशन इट, मैं बार बार फाइनल बोलता हूं तो प्लीज इरिटेट मत होना बिकॉज इट इज वेयर यू आर गोइंग टू। सो फाइनल में तुम्हें सेक्शन आएगा सेक्शन 188 जो एक्चुअली रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का सेक्शन है, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोले सर, नो, सो इट इज एक्चुअली अ सेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्टी। तो 276, टू सबसेक्शन 76 एंड 188 ये कंबाइंड सेक्शन रीड किए जाते हैं। अब उसके हिसाब से उन्होंने मेंशन किया है रिलेटेड पार्टी का क्या रजिस्टर मेंटेन करना है, मतलब उस रजिस्टर में क्या लिखना है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रिलेशनशिप बोलना है आपने, डिस्क्रिप्शन एंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बोलना है आपने, अमाउंट कितना है ये बोलना है आपने, साथ में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस फॉर द ईयर क्या है, अगर उसके साथ कंसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो, साथ में रीजन फॉर ट्रांजैक्शन देना है आपने कि क्या रीजन है, मटेरियल इफेक्ट उसका क्या हो रहा है बोलना है, कितना अमाउंट राइट ऑफ किया है, राइट बैक किया है या उससे कितने ड्यूज आने हैं, राइट ऑफ राइट बैक मीन्स बैड डेट्स, या अगर आपने उसके पैसे डुबाए होंगे तो उसके बैड डेट्स, मतलब आपने डुबाए तो उसके, उसने डुबाए तो तुम्हारे बैड डेट्स, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा बैड डेट होते हैं, रिलेटिव को पैसा देके देखो वापस मांगने में बहुत तकलीफ होती है, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, दोस्त को मांग के देखो गाली देके वापस तो भी मांग सकते हैं, हालांकि वो देगा नहीं बात अलग है, पर रिलेटिव को तुम गाली भी नहीं दे सकते ना, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। नीचे डिक्लेरेशन दैट सच अ ट्रांजेक्शन वेयर कैरिड आउट एट आर्म्स लेंथ बेसिस, आर्म लेंथ बेसिस सुना है, आर्म लेंथ प्राइस, आर्म लेंथ प्राइस को देखो, आर्म लेंथ ये वर्ड का थोड़ा सा मैं सिनेरियो बोलता हूं क्योंकि तुमको बहुत बार यूज होने वाला है, ठीक है, आर्म लेंथ बहुत बार यूज होने वाला है तो कृपया बहुत अच्छे से सुनना आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन का मीनिंग। देर आर डिफरेंट कम्युनिकेशन सर्कल्स फॉर ह्यूमन, ये थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिकेशन का मैटर है तो थोड़ा सा गौर से सुनना। देर आर डिफरेंट सर्कल्स ऑफ द कम्युनिकेशन फॉर द ह्यूमन, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज इंटीमेट सर्कल, सेकंड इज कॉल्ड एज सोशल सर्कल, थर्ड इज कॉल्ड एज पब्लिक सर्कल एंड फोर्थ इज एनोनिमस, मतलब अननोन सर्कल। सबसे पहली बात, जब तुम तुम्हारे मदर फादर से या तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो, वो लोग सिंपली, अभी मेरे को बोलना पड़ रहा है इसलिए, वो लोग जो तुम्हें हक कर सकते हैं, दोज आर इंटीमेट सर्कल, जो तुम्हारे 6 इंच के फासले में आ सकते हैं, 6 इंच टू 1 फीट के फासले में जो तुम्हारे साथ रह सकते हैं, दैट इज इंटीमेट सर्कल। और याद रखना, मतलब ये विधि का विधान है, ये सोशल लाइफ से भी बहुत निगड़ित है इसलिए मैं 1-2 टिप भी दूंगा, इंटीमेट सर्कल में जो भी बंदा आता है उसके लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है, मॉम डैड हो गया, बेस्ट फ्रेंड हो गया, इंटीमेट सर्कल में हमेशा इमोशन मैटर करना चाहिए, फाइनेंस मैटर नहीं करना चाहिए इंटीमेट सर्कल में, चाहिए इंटीमेट सर्कल ये नियरली 1 फीट तक चलता है, मतलब आपके बॉडी से 1 फीट तक के। इंटीमेट सर्कल के बियॉन्ड जो सर्कल आता है दैट इज कॉल्ड एज सोशल सर्कल, सोशल सर्कल मतलब हाई बाय वाले फ्रेंड्स, जो फ्रेंड समझो तुम क्लास में घूमते हो, तुम चेहरे से बहुत सारे लोगों को पहचानते हो, वो आएगा तो तुमसे 1 फुट दूर अपने आप खड़ा हो जाएगा, ऐसे एकदम आके चिपक के बात करता है क्या, और कैसे तू, अच्छा लग रहा है तेरे को, वेदर यू टॉक लाइक दिस, तुम मिनिमम 1 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करते हो, सो 1 फीट सुनना बहुत प्यार से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इससे आपका बिहेवियरल पैटर्न भी डिस्कस होता है और सामने वाले को आप जज भी कर सकते हो अगर आपको जज करना है। 1 फीट के डिस्टेंस के बाहर जो खड़े रहता है और 3 फीट के डिस्टेंस के अंदर जो खड़े रहता है दैट इज अ सोशल सर्कल, दैट इज कौन सा सर्कल बोले एक बार, सोशल। इसमें सब आपके हाई बाय वाले, जिनके आपके अच्छे रिलेशन है, ठीक है, जो आपके बेस्ट फ्रेंड के कैटेगरी में नहीं आते पर फ्रेंड के कैटेगरी में आते, इसमें आपके कलीग्स आ सकते हैं जब आप जॉब वॉब करोगे, ऐसे लोग आ सकते हैं जिनके साथ आपके काफी प्रोफेशनल रिलेशन है, दे कैन बी फ्रॉम 1 फीट टू 3 फीट, ठीक है, 3 फुट तक के वो लोग आपके साथ रह सकते हैं।
those who go beyond 3 feet, those are called as public circle. Public circle इसके अंदर कौन आते हैं? जैसे पुलिस ऑफिसर्स, ट्रैफिक पुलिस. मुझे एक बात बताओ, ट्रैफिक पुलिस से चिपक के जाके बात करोगे? नहीं. यू अंडरस्टैंड दिस, ट्रैफिक पुलिस भी जब आपके साथ में खड़ा रहता है ना, तो तुम मिनिमम 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हो, अपने आप मेंटेन हो जाता है, तुमको करना नहीं पड़ता. वो डिस्टेंस क्यों मेंटेन होता है? बिकॉज दैट इज पब्लिक सर्कल. वो पब्लिक सर्कल अपने आप बन जाता है. मतलब तुमको ये चीजें कभी बचपन से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी. दिस इज मैनर्स. ट्रैफिक पुलिस तुम्हारी ऊपर चढ़ के कभी बात नहीं करेगा, या एकदम 3 फीट में आके ऐसे हक करके चलान भरना. समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना. सो दैट इज अ पब्लिक सर्कल. ये कौन सा सर्कल है? बोले वाले से पब्लिक सर्कल. समझ में आ रहा है? 3 फीट से लेके 5 फीट. 3 फीट से लेके कहां तक? बोले वालों से 5 फीट. नॉर्मली दिस इज अ रेंज ऑफ द पब्लिक सर्कल. कोई अगर आपसे ऑथोरिटेटिव बात कर रहा है, या आप किसी से ऑथोरिटेटिव बात कर रहे हो जिससे आपका इमोशनल कनेक्ट कम है, देखो प्रोफेशनल रिलेशन ऐसे 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 बढ़ते जाएगा. जैसे जैसे दूर आएगा प्रोफेशनल रिलेशन बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे नजदीक आएगा इमोशनल रिलेशन बढ़ता जाएगा. ऑब्वियसली ऐसे ऐसे दूर जाता जाएगा इमोशनल रिलेशन कम होता जाएगा, और जैसे जैसे नजदीक आएगा प्रोफेशनल रिलेशन कम होता जाएगा. सो जो पब्लिक सर्कल में आते हैं, दोज आर ऑथोरिटेटिव फिगर्स. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कल जाके लेट्स से तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवार्ड डिक्लेयर किया गया और तुम प्रधानमंत्री के हाथ से अवार्ड लेने वाले हो, तो इट विल बी ऑलवेज, तुमने देखा अवार्ड सेरेमनी, खास करके ऑब्जर्व करना बिहेवियरल पैटर्न एंड बॉडी लैंग्वेजेस, दे वोंट स्टैंड इन बिटवीन 3 फीट ऑफ डिस्टेंस. 3 फीट के अंदर दोनों एक दूसरे के साथ खड़े नहीं रहेंगे, अनलेस एंड अंटिल दे शेयर द पिक. फोटो निकालते हैं गले में हाथ डाल के, या तो फिर दे आर सम कोई कैजुअल रिलेशन इसके पहले बिल्टअप हुआ है. नॉर्मली आपने देखा अवार्ड सेरेमनीज मेनली आर्टिलरीज आर्मीज के अंदर आप ये बैनर बहुत अच्छे से फॉलो होते हुए देखोगे कि 3 फीट के डिस्टेंस से वो किसी भी सीनियर्स वगैरह से बात अच्छे से करते हैं, अनलेस एंड अंटिल इट इज द सेम ग्रेड का ऑफिसर. समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना. 3 फीट से 5 फीट इट इज अ पब्लिक सर्कल. बियॉन्ड द 5 फीट इट इज कॉल्ड एज अननोन सर्कल. मतलब जिसके अंदर कोई भी आ सकता है. कोई भी मीन्स एनी पर्सन जिससे आप बात नहीं करते हो, या आप जिसके साथ कनेक्ट नहीं बनाना चाहते, दोज गोज बियॉन्ड 5 फीट. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना. जोर से बोले वैसे नो. टेबल के नीचे एक दूसरे के हाथ पकड़ना बंद करो. ठीक है? वहां से सबको दिख रहा है क्या कर रहे हो तुम. ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड एज अननोन सर्कल. क्या चल रहा है जीवन में, क्या मालूम. ये ऐसी हरकतों का जैसे मैंने डिसाइड किया कल मेरे को एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं लेना है करके, पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा. हाथ नहीं था वो? क्या बोल रहा है ये? बस स्केल थी, हम क्यों माने. लेट्स गो. सो ये चीज को याद रखना, ये कौन सा सर्कल होता है? बोले एक बार उसे अननोन. फोकस. दिस सर्कल इज कॉल्ड एज कौन सा सर्कल? बोले एक बार उसे अननोन. याद रख, समझ में आ रहा है? अब मैं क्या बात कर रहा हूं समझना. वी आर ऑन आर्म लेंथ बेसिस. आप कभी भी याद करना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है आर्म लेंथ प्राइस. आप आर्म लेंथ प्राइस इतने बार पढ़ोगे पर आपको ये कभी जीवन में क्लिक नहीं होने वाला, इसलिए मैं पहले ही मेंशन करूं. बहुत अच्छे सुनना. विथ डिस्टेंस इमोशन रिड्यूसेस, प्रोफेशनलिज्म इंक्रीजेस. विथ डिस्टेंस रिड्यूस, प्रोफेशनलिज्म रिड्यूसेस, रिलेशनशिप इंक्रीजेस, इमोशन इंक्रीजेस. इंटीमेट सर्कल वालों के साथ आप हमेशा ये ट्राई करते हो कि उनको चीजें आप प्रोवाइड करो. तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स, यू ऑलवेज ट्राई की उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें आपकी तरफ से जितना हो सकता है आप उनको दो. सोशल सर्कल के साथ में, अननोन सर्कल के साथ आप हमेशा ये ट्राई करते हो कि उनसे आप एक्सप्लॉइट करो. अननोन सर्कल के साथ आप ट्राई करते हो इनसे लेना ही है. ठीक है? अननोन सर्कल में यू नेवर ट्राई कि आपने देना है उनको कुछ. नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड व्हाट इन आर्म लेंथ प्राइस. If you see the distance of the arm, it goes 3 feet. So it goes till social circle. तो ऐसा कहा जाता है कि arm length price is the best price of the market. Why? Because this price lies in the social circle. And social circle में there is a balance of emotion and professionalism. और जहां balance of emotional and professionalism होता है, वो circle में ही सबसे best price market की derive हो सकती है. Because it is not deviated by emotion, but not even exaggerated by professionalism. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? आप इसको ऐसा भी देख सकते हो, जितना इंटीमेट सर्कल में आएगा और आप उस पर्सन से डील कर रहे हो, आप प्राइस कम करते जाओगे. समझ में आ रहा है? और जितना इंटीमेट सर्कल से बाहर जाता जाएगा, प्राइस उतना बढ़ता जाएगा. समझ में आया? टोटली अननोन पर्सन है, आप उसको कुछ भी प्राइस बोल सकते हो बिकॉज आपको उससे कोई लेन देन ही नहीं है. बट इफ ही इज एट द आर्म लेंथ प्राइस, व्हाट इज आर्म लेंथ प्राइस? अ बैलेंस ऑफ द इमोशन एंड प्रोफेशनलिज्म. कंसेप्ट समझ में आया? यहां से कंसेप्ट बनता है आपके आर्म लेंथ प्राइस का.
इज इट वेरी क्लियर एवरीबडी? सबको समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी द आर्म लेंथ प्राइस, तो ये कंसेप्ट को याद रखना कि आर्म लेंथ प्राइस क्यों कहा जाता है. दिस इज द रीजन व्हाई द आर्म लेंथ प्राइस वर्ड इज देयर, सो दैट सोशल सर्कल के अंदर जितने लोग स्टैंड होते हैं, इसलिए देखना आपके मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स ये कहते हैं, मतलब बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग कह के गए हैं कि जिसके साथ रिलेशन है उसके साथ धंधो नहीं करना चाहिए, कि जिसके साथ तुम्हारा रिलेशन है उसके साथ धंधा नहीं करना चाहिए भाई. और ये कहा जाता है कि जिसके साथ प्रोफेशनल रिलेशन है उसके साथ रिलेशन नहीं बनाने चाहिए. क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि जिसके साथ रिलेशन है आप उसके साथ धंधा करोगे तो आर्म लेंथ प्राइस कभी बनेगी नहीं. आर्म लेंथ प्राइस बनेगी नहीं तो प्योर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. जितनी आर्म लेंथ प्राइस रहेगी उतना प्योर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा. समझ में आ रहा है सबको? और जितना बाहर जाके वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे, उस वजह से वो वर्क नहीं होगा. सो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट तुम याद रखोगे उन्हीं के साथ वर्क करते हैं जो सोशल सर्कल में फिट होते हैं. जो काय में फिट होते हैं, सोशल सर्कल. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दैट इज एट द आर्म लेंथ. आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? तो यहां पे सेम चीज बोली है, डिक्लेरेशन दैट द ट्रांजैक्शंस वर कैरिड आउट, क्या बोले एक बार उसे आर्म लेंथ. अब ये स्पेसिफिकली रिलेटेड पार्टी में उन्होंने क्यों बोला कि आर्म लेंथ पे ही ट्रांजैक्शन होनी चाहिए? क्योंकि रिलेटेड पार्टी इंटीमेट सर्कल वाली है और इंटीमेट सर्कल वालों के साथ में आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन करना बहुत मुश्किल है. That's why उन्होंने ये पॉइंट को एम्फेसिस किया है कि भाई साहब भले ही इंटीमेट सर्कल वाले लोग हो पर तुम्हारा प्राइस आर्म लेंथ वाला होना चाहिए. इज इट वेरी क्लियर एवरीबडी? सबको समझ में आ रहा है मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं? अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? बोलो हाँ है ना. नीचे एनी अदर डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन एज मे बी कैपेबल से नेसेसरी, जो भी रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन का डिटेल चाहिए वो. ये पहला चीज है जो सीजे ने मांगा है फॉरेन कंपनी के लिए. दूसरा रिपेट्रिएशन. व्हाट इज रिपेट्रिएशन? टेक अ प्रॉफिट आउटसाइड कंट्री, अपने देश में प्रॉफिट लेके चले जाओ. जिसके अंदर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिपेट्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में आपने कितना प्रॉफिट वापस किया है. रिसिपियंट ऑफ द रिपेट्रिएशन, किसको प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो? होल्डिंग कंपनी को कर रहे हो? हेड ऑफिस को कर रहे हो? नॉर्मली इट माइट बी अ हेड ऑफिस. फॉर्म ऑफ रिपेट्रिएशन, कैसे रिपेट्रिएट कर रहे हो? डॉलर में कर रहे हो? खुद के करेंसी में कर रहे हो? खुद के कंट्री की करेंसी में कर रहे हो? रुपीज में कर रहे हो? समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने तो फेमा में ये भी देखा है ना कि कोई चीजें आप रुपीज में लेके जाना चाहो हम मना ही नहीं करते. बोलो हाँ है ना. नीचे फॉर्म ऑफ रिपेट्रिएशन, डेट्स ऑफ रिपेट्रिएशन, कौन से दिन कर रहे हो, डिटेल्स ऑफ रिपेट्रिएशन, क्या डिटेल है, कैसे ट्रांसफर कर रहे हो, किस फॉर्म में कर रहे हो, मोड ऑफ रिपेट्रिएशन, कैश के थ्रू कर रहे हो, बैंक के थ्रू कर रहे हो, लोन के थ्रू कर रहे हो, या कोई एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बना के कर रहे हो, मार्क टू मार्केट मार्जिन करेंसी से कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग. हवाला भी कर सकते हो पर हवाला डिस्क्लोज नहीं करोगे आप. नीचे अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या रिपेट्रिएशन के लिए आपने फेमा के हिसाब से आरबीआई का अप्रूवल लिया है? क्योंकि हमने फेमा में मैक्सिमम जगह पे किसका अप्रूवल देखा है? आरबीआई. समझ में आ रहा है? तो क्या आपने अप्रूवल लिया है, ये चीज आपने बोलनी चाहिए. सबसे आखिरी स्टेटमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर. फंड ट्रांसफर मतलब रिपेट्रिएट, मतलब खुद के देश में लेके जाना. तो फंड ट्रांसफर मतलब बाहर के देश से लेके आना. समझ में आ रहा है? सेम डिटेल बाहर के देश से लेके आने के लिए. सो ये तीन रजिस्टर सीजी बोलता है मेंटेन करने चाहिए. और ये जितने भी अकाउंट्स है उनका ऑडिट कौन करेगा? सीए. सीए सीए स्माइल दो, काम मिल रहा है, मतलब फॉरेन कंपनी का भी काम अपने को मिल सकता है. इज इट वेरी क्लियर? नीचे ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स विल बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? बोले एक बार, 6 months ऑफ क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर खत्म करने से 6 महीने के अंदर आरओसी को ये डॉक्यूमेंट्स दे दो. मतलब नियरली डेट वही आ रही है, 30 सितंबर. इज इट वेरी क्लियर? तो यहां पे आपका अकाउंट्स वाला एरिया होता है खत्म. सेक्शन नंबर कौन सा है? 381. जोर से बोलो कौन सा सेक्शन है? 381. समझ में आया? आ जाओ बेटा अंदर, जल्दी आया करो ना लाख लोगों. चलो ओके, मुझे एक बार बताओ क्या इससे आंसर राइटिंग पॉइंट बना सकते हो? इतने के ही बनाने हैं, ठीक है? बना लोगे? एडिक्टेट करो. क्यों पूछा क्यों मैंने ये? पागल हूं मैं? कैसे पूछ लिया मैंने? लिखो ना प्लीज. चेहरे तो ऐसे मासूम बनाते हैं ना बिगा. फाइनेंशियल ऑडिट सीए करता है, कंप्लायंस ऑडिट हम सुन ले, कंप्लायंस ऑडिट हमेशा सीएस करता है एंड कॉस्ट ऑडिट हमेशा सीए में करता है. तो वहां पे भली मॉड्यूल में सिर्फ सीए लिखा है पर कंप्लायंस ऑडिट इंडिया में करने का, उस वजह से सीए फाइनेंशियल लॉ गया भाई, तू मेरे को बता रहा है. कंप्लायंस ऑडिट याद रखना, फॉरेन कंपनी है, इंडिया में कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कंप्लायंस ऑडिट के साइन करने हैं. इट इज ऑलवेज साइंड बाई सीएस, भली मॉड्यूल में लिखा हो या नहीं लिखा हो, ये विधि का विधान है.
इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कंपनी लॉ की प्रैक्टिस बंद करवा दी है लोगों की, ठीक है? तो दिस विल ऑलवेज बी लाइक दिस, समझ में आया? चलो लिखो, हाँ लिखो, डिक्टेट करा भिखारी लोगों, लिखो भिखारी, सम डेटर क्रिएटर नहीं आता यार तुमको, जाने मुश्किल है लिखना। पॉइंट नंबर वन, प्रोविजन अंडरलाइन करो, सेक्शन नंबर, सेक्शन कौन सा है? 381 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2000। एग्जाम में यही लिखना है तुमने, सब क्वेश्चन में यही लिखना, सब क्वेश्चन इतना अच्छा पेपर लिख के आना और सब जगह पे 2025 लिखना, बस इतना ही करना, ज्यादा कुछ मत करना। पॉइंट नंबर वन लिखना, ये ओरी फॉरेन कंपनी, एवरी फॉरेन कंपनी हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मेंटेन द फॉलोइंग अकाउंट्स, शॉल मेंटेन द फॉलोइंग अकाउंट्स। पॉइंट नंबर ये, बैलेंस शीट पीएनएल ऑफ एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस, बैलेंस शीट पीएनएल ऑफ एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस सेपरेटली, बैलेंस शीट पीएनएल ऑफ एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस सेपरेटली। पॉइंट नंबर बी, बैलेंस शीट पीएनएल कंसोलिडेटेड, बैलेंस शीट पीएनएल कंसोलिडेटेड of all place of business, balance sheet P&L consolidated of all place of business in India, balance sheet P&L consolidated of all place of business in India. Point number C, consolidated financial statements, point number C, consolidated financial statements of head office of such a foreign company, full stop. लिख लिया सबने? पॉइंट नंबर आ, इन एडिशन टू अबव, इन एडिशन टू अबव, following documents should be maintained, in addition to above, following documents should be maintained as prescribed by CG, following documents should be maintained as prescribed by CG, फॉलोइंग लिखा ही आएगा ना, वी काय को जा रहा जीवन में। पॉइंट नंबर ए, एज प्रिस्क्राइब बाय सीजी, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए में लिखना कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, पहला रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन, पॉइंट नंबर ए, रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन रजिस्टर, पॉइंट नंबर ए, रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन रजिस्टर। पॉइंट नंबर बी, रिपेट्रिएशन रजिस्टर, रिपेट्रिएशन रजिस्टर, आर ई पी ए टी आर आई ए टी आई ओ एन, सही तो बोला, गलत का बोला, देख के बोला, आर ई पी ए टी आर आई ए टी आई ओ एन, अब हो गया क्या? अच्छा कल वापस पूछोगे क्या तुम मेरे को? और रिका में काम है तुम्हारे पास, कर देखो, और कुछ रिका में प्रॉपर है, टाइम पास वाले भिखारी लोग, सबके सब सी, पॉइंट लिखो सी, लिखना रजिस्टर ऑफ फंड ट्रांसफर, रजिस्टर ऑफ फंड ट्रांसफर, रजिस्टर ऑफ फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट मेन पॉइंट. हा वी द ऑडिट ऑफ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स, द ऑडिट ऑफ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स shall conducted shall be conducted by CA in practice. Logically CS और CMA compliance और cost audit के लिए याद रखना, ठीक है? अगर पूछा तो लिखना compliance audit and cost audit, ठीक है? Next point. All the above documents, main point, all the above documents shall be filed with ROC, within 6 months of the close of the financial year, full stop. लिख लिया सबने? बोलो हाँ है ना? चलो बहुत बढ़िया. सो यहां पे आपका कंप्लीट होता है फाइलिंग ऑफ क्या बार से अकाउंट्स, ठीक है? 381 के बाद में नेक्स्ट सेक्शन बहुत ही वाहियात है, मतलब एक बार तुम रीड करके देखो तुम्हारा ही मूड खराब हो जाएगा, मेरा तो वैसे ही खराब है. यहां से इतने वाहियात सेक्शन है कि तुम्हारा मूड मतलब अच्छा करने को जाओगे तो भी खराब हो जाएगा, मूड बना होगा तो बिगड़ जाएगा, कुछ कर नहीं पाओगे. 382 आ जाओ, फोकस बेटा, जो बात करते हुए देखेगा उसको मैं रेज कर दूंगा. 382 पढ़ना है अभी. FC3 लिखना नहीं चाहिए, नहीं था, नहीं चाहिए, ये मैं सोच रहा हूं, ठीक है? फिलहाल 382 तो पढ़ो, आई विल जस्टिफाई, आई विल सी क्या कर सकते हैं. पढ़ो. हाँ, बुक नहीं लाई के भिखारी, बहुत अच्छा सेक्शन है ना, यू लाइक्ड इट वेरी मच. इस सेक्शन का ये नीचे दिया हुआ मीनिंग है, देख लो वो डायग्राम के ऊपर. बोले नम कंपनी का नाम कौन सी कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है और लाइबिलिटी क्या है, ये 3 जगह पे मेंशन करना है. एवरी ऑफर डॉक्यूमेंट, एवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, आउटसाइड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस, फुल स्टॉप. सेक्शन खत्म. अगला आंसर राइटिंग में जो पढ़ा वही लिख लेना. तो लिखोगे या मैं लिखवा के दू? पॉइंट नंबर वन, ये एवरी फॉरेन कंपनी शॉल कॉन्स्पिक्यूअसली एग्जिबिट, CONSPICUOUSLY, शॉल कॉन्स्पिक्यूअसली एग्जिबिट conspicuously exhibit out लिखो एवरी फॉरेन कंपनी शॉल कॉन्स्पिक्यूअसली एग्जिबिट फॉलोइंग 3 थिंग्स. आउटसाइड लिखा क्या? आउटसाइड काटो. कॉन्स्पिक्यूअसली एग्जिबिट आउटसाइड काटो. फॉलोइंग थ्री थिंग्स
फॉलोइंग थ्री थिंग्स एट द प्लेसेस मेंशनड इन पॉइंट टू. फॉलोइंग थ्री थिंग्स एट द प्लेसेस मेंशनड इन पॉइंट टू. लिखो, समझ में आएगा. फॉलोइंग थ्री थिंग्स एट द प्लेसेस मेंशनड इन पॉइंट टू. पॉइंट नंबर ये, कौन कौन सी चीजें बोलनी है? नेम ऑफ द कंपनी, बी कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सी बिल्ली ने टी लाई. तुमको नहीं चाहिए, दूध पी लेना. सो नेम ऑफ द कंपनी, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो चाय नहीं चाहिए बोला, मैं क्या करूं? किसका? भेड़िए का. लाइबिलिटी लिखा सबने, बोलो हाँ है ना. लिख लेगा, बोलो हाँ है ना. एबीसी लिख लिया. पॉइंट नंबर टू, द अबाउ थिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड. सॉरी, होल्ड होल्ड. एट अबाउ प्लेसेस, नहीं नहीं ऐसे होता है आफ्टरनून क्लासेस. ऊपर अपन ने क्या क्या लिखा? नाम, लायबिलिटी एंड कंट्री लिखा ना. हाँ बरा, पहला वाला ही बराबर था. द अबाउ थिंग शॉल बी डिस्क्लोज्ड. अरे अबाउ तो फिक्स है ना यार, दोनों केस में ओवर एक्टिंग इतनी कर रहे हो. द अबाउ थिंग शॉल बी डिस्क्लोज्ड. हाँ कंफर्म. द अबाउ थिंग शॉल बी डिस्क्लोज्ड एट फॉलोइंग प्लेसेस. द अबाउ थिंग्स शॉल बी डिस्क्लोज्ड एट द फॉलोइंग प्लेसेस. At the following places. Point number A. कहां कहां mention करना है? यह उरी offer document. यह उरी offer document. Point number B. Every official document. Point number C. Every official document. लिखा सबने? Point number C. Outside every place of business. Outside every place of business. Official document समझ में आता है क्या होता है? Letter heads, bill heads, letter papers. चाहिए तो bracket में लिख के रखो. Letter heads, bill heads, letter papers. लिख लिया सबने? बोलो हाँ है ना. हो गया, section खत्म. Section number 382. इससे भाई अब section पढ़ना है तुमको, तो 383 पढ़ के देखो. इस सेक्शन में क्या बोला होगा, जस्ट इमेजिन क्या बोला होगा. अरे उधर वो कट्टा चाहवर गोष्टी, इकड़े लक्ष्य जा जरा. सो 383 पूछो क्या लिखा होगा इसमें. बोले आरओसी ने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे कम्युनिकेशन करना चाहिए एंड प्लेस ऑफ बिजनेस वालों ने आरओसी को कम्युनिकेशन करना चाहिए. जो इसका आंसर राइटिंग पॉइंट मांगेगा उसको उल्टा लटका के मिर्ची की धुनी दूंगा. नेक्स्ट वाला सेक्शन 384, इसके आंसर राइटिंग पॉइंट बन ही नहीं सकते. पूछो क्यों? क्योंकि इन्होंने इसके अंदर वो सेक्शंस बोले हैं जो सिर्फ फॉरेन कंपनी को अप्लाई करने हैं, और ये सेक्शन सब आपको याद है. सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, नीचे के सेक्शन फॉरेन कंपनी को लगने चाहिए, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर. अरे बढ़िया, लक्ष्य दे. इधर से खाली है, सब दिखता है, तुम क्या करते हो अभी? मतलब कितने बार समझाऊं मैं तुमको? लेट्स गो. सो ये सेक्शन सबके सब फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल है, ध्यान देना. सेक्शन नंबर 71 किसका है बोले एक बार जो से? डिबेंचर. तुम आ जाओ इस पेज पे, आ जाओ, मार्क करना पड़ेगा तुमको. दिस पेज नंबर 11.19. सो सेक्शन 71 मार्क किया सबने, बोलो हाँ है ना. किसका लिख लो वहां पे? डिबेंचर लिखा है, फिर भी लिखो, तुम गजनी हो. नीचे सेक्शन नंबर 92 किसका है? एनुअल रिटर्न. हाँ है ना, ये भी अप्लाई कर डालो. बोले सेक्शन 128 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मार्क कर लो नीचे. सेक्शन 77-87 चार्जेस, पूरा चैप्टर ही ठोक डाला.
ये वाला नीचे वाला पता नहीं होगा, सेक्शन 206 से 240, हालांकि गलत बोला है इन्होंने, इट शुड बी 230 होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर है ये, देख कर को इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन। नीचे एवरी फॉर, अब ये खास है, इसको स्टार मार्क करो जो सिर्फ नीचे रूल 7 लिखा है ना, दैट इज एक्चुअली पॉइंट जो तुमको याद रखना है। सब जन साथ में पढ़ेंगे, एवरी फॉरेन कंपनी से 1, 2, 3 बोलो क्या है, एवरी फॉरेन कंपनी शॉल प्रिपेयर एंड फाइल विद इन 60 डे फ्रॉम लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू ROC एनुअल रिटर्न इन फॉर्म नंबर कौन सा, FC4। एक सेकंड होल्ड, मेरे को नहीं झेपा, पूछो क्यों, ऊपर कहीं हमने ये पढ़ा है क्या कि सभी डॉक्यूमेंट 6 महीने में आपने फाइल करना चाहिए, कहां पढ़ा है ये 6 महीने में फाइल करना है, कहां पढ़ा 6 मंथ्स में फाइल करना है, 6 मंथ्स में फाइल करने हैं, 381 में लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर, और ये बोल रहा है कि भाई साहब 60 दिन के अंदर तो तुमने एनुअल रिटर्न फाइल करना है, क्या करें अभी, ये बोल रहा है 60 डेज में एनुअल रिटर्न फाइल करो और उधर बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 6 मंथ्स में फाइल करो। सुनना, एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों अलग है, वहां बैलेंस शीट पीएनएल बन रहा है और वो कंसोलिडेटेड बन रहा है, वो 6 महीने में फाइल किया हुआ चलेगा 30 सितंबर तक या 28 सितंबर तक, ये एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न 60 दिन में ही जाना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हालांकि एक कंफ्यूजन आपको जरूर होगा, सेक्शन 92 जो, अब ये चीज मेरे को बहुत परेशान करती है, पूछो क्यों, ऊपर इन्होंने लिखा है प्रोविजन रिलेटिंग टू एनुअल रिटर्न 92 शॉल सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन एडॉप्शन जो भी है वो अप्लाई कहूंगे फॉरेन कंपनी को। अब 92 कहता है कि एनुअल जनरल मीटिंग के 60 डेज के अंदर आपने एनुअल रिटर्न फाइल करने चाहिए, बोलो हाँ या ना, और यहां इन्होंने बोला है फाइनेंशियल ईयर एंड से 60 डेज के अंदर आपने एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है क्या, 60 डेज फ्रॉम द एनुअल जनरल मीटिंग इज 29th November, हैव यू कैलकुलेटेड दिस, बोलो हाँ या ना, एंड 60 डेज फ्रॉम द 31st March इज 30th of May, बोलो हाँ या ना, अब सवाल है कौन सा फॉलो करें, तो आपको 30th May फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर उन्होंने वर्डिंग्स जो यूज किया है उसमें बोला है सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस मॉडिफिकेशंस एडेप्टेशंस, मतलब जहां पे हमने नीचे रूल में बोला है वो फॉलो करो, वो छोड़ के कुछ बचता है तो उसके लिए 92 फॉलो करो, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, मतलब आपने 30th May तक ही फाइल करना चाहिए, तो यहां लिख के रखो टिल 30th May, अगर 31st March का फाइनेंशियल ईयर एंड है, 31st March एंड है तो फाइलिंग टिल 30th of क्या लिखवा दो उसे मे, समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो हाँ या ना, तो इस पॉइंट को स्टार मार्क करना है, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि फॉरेन कंपनी का एक आधा केस स्टडी दे दे पूरा और उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव पूछ ले, दे दे फोन दे फोन दे, दे तू दियो ना ध्यान तुझे जब्त करा लग दे, क्या क्या पीछे वाला क्या कर रहा है, नहीं दिखा तेरे को, आगे ध्यान दो, लेट्स गो नेक्स्ट, ये हो गया सबका हाँ है ना, ये कौन से इसमें करना है, बोले एक बार उसे FC4, जोर से बोलो, घर जाके करो MCQ वगैरह अभी नहीं करने, ठीक है, सो कौन से इसमें करना है, जोर से बोलो एक बार FC4, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, एनुअल रिटर्न, बीच का FC3 बाकी है, अब एक्चुअली FC3 क्या है मैं आपको मेंशन कर दूं क्योंकि आपको ई फॉर्म तो याद रखना ही पड़ेगा, हालांकि मैंने आंसर राइटिंग में नहीं दिया, FC3 इज रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको फाइल करने हैं, दैट इज FC3, ठीक है, वो पिछले सेक्शन में हुआ बट ठीक है, अब आपके बेसिकली 4 ई फॉर्म्स हो चुके हैं, पहला FC1 किसका है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, FC2 चेंजेस, FC3 लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, FC4 क्या है, एनुअल रिटर्न, सबको समझ में आ रहा है पक्का, जोर से बोलो हाँ है ना, इससे भी वही सेक्शन पढ़ने की इच्छा है तो 385 पढ़ लो, पढ़ लो, अच्छा 384 के पहले ही मैंने बोला आंसर राइटिंग पॉइंट अच्छा है नहीं, क्या लिखेंगे 71 अप्लीकेबल 128 अप्लीकेबल, ऐसा तो नहीं लिख सकते, ठीक है हाँ, सो 385 रीड कर लो एक बार, बहुत मस्त है, उससे मन नहीं भरा तो 386 भी पढ़ लो,
386 हो गया। चलो अब टाइम पास वाले सेक्शन हो गए खत्म, एक बहुत मेन सेक्शन आ रहा है जिसके ऊपर सवाल पूछने के चांसेस है, दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ, दैट इज 387 प्रोस्पेक्टस ऑफ द फॉरेन कंपनी। आ जाओ थे, अब ये 387 से लेके 387, 388, 389 ये कंबाइन ग्रुप आता है। ठीक है, 387 में प्रोस्पेक्टस है, 388 में एक्सपर्ट्स ओपिनियन है एंड 389 में फाइलिंग है। इसके लिए थोड़ा सा आपको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। पूछो क्या, हमने तो पूरा प्रोस्पेक्टस चैप्टर देखा है, 25 में क्या है मीनिंग, 26 में क्या है कंटेंट, ये दो सेक्शन याद है आपको, 34 क्रिमिनल, 35 सिविल, 36 इंड्यूसमेंट, 37 प्रोसिक्यूशन, 38 ये याद है तुमको। चलो अब बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हैं, रेडी, आर यू गाइस रेडी? ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, फॉरेन कंपनीज ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाएगी, पहले तो फॉरेन कंपनी का प्रोस्पेक्टस मतलब क्या पहले समझिए। कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, भले ही उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस हो या प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ना हो, क्योंकि हमने वो भी केसेस देखे हैं कि कंपनी बाहर की है, बिजनेस अफ्रीका में है, बट स्टिल इंडियन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बोलो हाँ ना, तो क्या प्लेस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है क्या? जोर से बोलो जरूरी है क्या? तो प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं भी रहेगा चलेगा, पर शेयर्स तो इंडिया में इशू कर सकते ना भाई साहब, बोलो हाँ या ना। सो भले ही इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस ना हो, अगर वो कंपनी इंडिया में इशू कर रही है केवल एक बार उसे सिक्योरिटीज और इंडिया से लेके जा रही है केवल एक बार फंड्स, तो उसने प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहिए। लाइन नंबर वन, उस प्रोस्पेक्टस का कंटेंट सेक्शन 26 का कंटेंट होगा। क्या हमने सेक्शन 26 का कंटेंट देखा है? एडिशनल कंटेंट ये 387 का लगेगा। एडिशनल कंटेंट कौन सा इसका है? 387। अभी 387 में कौन सा कंटेंट लगता है पॉइंट वाइज वहां पे लिख लो, पॉइंट नंबर वन लिखना, ठीक है? आप इसी को एज आंसर राइटिंग पॉइंट जैसा का वैसा यूज कर सकते हो, ठीक है? तो मैं आंसर राइटिंग पॉइंट के हिसाब से ही लिखवा रहा हूं, थोड़ा स्पेस एडजस्ट करके लिखना, मतलब पूरा का पूरा आ जाए, ठीक है? आप चाहिए तो ऐसा मार्किंग कर लो, रिक्वायर्ड कंटेंट प्रोस्पेक्टस ये खत्म हो चुका है एंड अब जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा 387 का है, तो आप पॉइंट वन के लिए अच्छा खासा स्पेस बना सकते हो सभी पॉइंट्स के लिए, ठीक है? सो लिखना, द डिटेल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, द डिटेल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फॉरेन कंपनी Details of the constitutional documents of the foreign company, मतलब simply constitutional document जो हमने 380 में file किए वो 387 में file करने हैं, बोलो हाँ या ना। Second वाला point number 2, the law under which such a foreign company is incorporated, the law under which such a foreign company is incorporated law under which such a foreign company is incorporated likha sabne point number 3, the address where such a foreign law and its provisions, the address where such a foreign law and its provisions are available for inspection, such a foreign law and its provisions are available for inspection, किसी को मतलब अगर वो law को check करना है तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर हो, द डेट ऑन विच एंड द कंट्री इन विच सच अ फॉरेन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड,
such a foreign company is incorporated. Point number 5, the address of principal place of business in India, if any. The address of principal place of business in India, if any. Address of principal place of business in India, if any. लिख लिया सबने? जोर से बोलो इस वन नो. यहां तक आइडिया क्लियर है? ओके. उसके बाद में नीचे नेक्स्ट पॉइंट. Any provision which exempts foreign company from above disclosures, is void in law. From above disclosures is void in law. Additionally, simple, next point. The company shall comply with the following. Point number A. Chapter foreign company. Point number B. Provisions of section number 388. लिख लिया सबने? जोर से बोलो यस और नो. यहां तक आइडिया क्लियर है सबको? एवरीबॉडी समझ में आया? पक्का बोलो हाँ या ना. चलो शानदार. ये होने के बाद में ठीक है, इतने ही पॉइंट्स आपने याद रखने का है कि इसमें बोले एक बार उसमें प्रोस्पेक्टस. यहां तक आइडिया का? अच्छा, पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि निपटाने के लिए निपटा रहे हैं, बट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आइडिया क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, ये होने के बाद अब आप आगे आओगे तो आगे आंसर राइटिंग का पेज आपका ब्लैंक रहेगा, क्योंकि अपन ने ऊपर लिख लिया. फिर आता है सेक्शन नंबर 388 जो है एक्सपर्ट्स ओपिनियन का. मुझे एक बार बताओ, क्रिमिनल लाइबिलिटी वगैरह हमने पढ़ा है 34 वगैरह वाला. मुझे बताओ, अगर एक्सपर्ट ने खुद का ओपिनियन दिया है और आप उसको छापना चाहते हो प्रोस्पेक्टस में, कहां छापना चाहते हो? प्रोस्पेक्टस. तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो ओपिनियन फ्रॉडुलेंट है तो उसके खिलाफ कौन सा सेक्शन लगता है? 34 क्रिमिनल लाइबिलिटी का, याद है? पर क्या बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के आप प्रोस्पेक्टस छाप सकते हो? जोर से बोले एक बार, नहीं. तब ध्यान दीजिएगा, नो पर्सन शॉल इश्यू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज वगैरह उस कंपनी ने जो भले इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस रख रही हो या नहीं रख रही हो. इफ द प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय एन एक्सपर्ट एंड ही हैज नॉट गिवन बिफोर डिलीवरी अ रिटर्न कंसेंट. मतलब अगर किसी एक्सपर्ट ने आपके कंपनी के ऊपर कमेंट किया है, सिर्फ कमेंट किया है पर उसने यह नहीं बोला कि इसको प्रोस्पेक्टस में आप छाप सकते हो, यह बोला नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कोई हक नहीं होता उस एक्सपर्ट का ओपिनियन प्रोस्पेक्टस में छापने का. कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन आपको प्रोस्पेक्टस में छापना है, आपने उससे क्या लेना चाहिए? रिटर्न कंसेंट. सिंपल लॉजिक है, बोलो हाँ है ना? अगर प्रोस्पेक्टस, इफ द प्रोस्पेक्टस डज नॉट हैव द इफेक्ट वेयर द एप्लीकेशन इज मेड इन परसुएंस देयरऑफ रेंडरिंग ऑल पर्संस कंसर्न्ड बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 33 of the application form of securities and section 40 of the securities dealt with the stock exchange so far applicable. 33 याद है, abridged prospectus से लेके 40 listing of securities, ये सब provisions applicable हो जाएंगे prospectus chapter के. मतलब abridged prospectus, criminal offense, civil offense, साथ साथ में prosecution, inducement, 38, 39 allotment, 40 listing,
ये सब प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएंगे अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो तो दो ही प्रोविजन इसमें है, बिना एक्सपर्ट के कंसेंट के उसका कंसेंट छापना, उसका ओपिनियन छापना चाहिए क्या? नहीं। और प्रोस्पेक्टस के लिए ये सेक्शन अप्लाई होंगे। सिर्फ ये यहां नहीं बोला है, आप थोड़ा सा आगे जाओगे 389 को मैं थोड़ा साइड में रख रहा हूं, 390 के अंदर उन्होंने आईडीआर एडीआर जीडीआर बोला है, आपको याद है 41 नंबर का सेक्शन। तो उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं, मतलब आप सोचो कि प्रोस्पेक्टस और ये चैप्टर का कितना घनिष्ठ संबंध है। उन्होंने वहां पे एडीआर जीडीआर के जो प्रोविजंस दिए हैं सेक्शन 41 में जो हमने पढ़े, यहां पे उन्होंने सेम प्रोविजंस को एडीआर जीडीआर और आईडीआर के अप्लाई करने के लिए बोला है। समझ में आ रहा है 391 में। तो प्रोस्पेक्टस चैप्टर का आपको जितना अच्छा ज्ञान होगा उतना ही यहां पे भी वो काम में आएगा। इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले यस नो। तो 388 ये रहा, 388 लिखने की इच्छा है लिखवा के दू या ये मैनेज करोगे? लिख लो, जाने दो, लिख लो, लिखना। पॉइंट नंबर वन क्लास वर्क में 11.27, क्लास वर्क लिखना। द फॉरेन कंपनी शॉल नॉट फाइल the document with the sorry prospectus with the ROC. The foreign company shall not file prospectus with the ROC or circulate it to public unless पॉइंट नंबर ए एक्सपर्ट ओपिनियन इज बींग रिसीव्ड विथ हिज रिटन कंसेंट एक्सपर्ट ओपिनियन इज बींग रिसीव्ड विथ हिज, क्या वाली बात? उसे रिटन कंसेंट रिगार्डिंग सर्कुलेशन ऑफ सच अ स्टेटमेंट फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर बी, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 33-40 are made applicable to such a prospectus and its application। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों प्रोविजन याद रखना। समझ में आया पक्का बच्चों? जोर से बोले सर ना। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है, कौन सा बोले एक बार? उसे 389 विच इज रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। आ जाओ मेरे साथ साथ में मार्किंग करना, इजी वाला सेक्शन है, फोकस करना। रीड करे बोलो हाँ या ना, थक गया क्या? एकदम एनर्जी डाउन दिख रहा है। हार्डली तीन सेक्शंस बाकी है, आराम से चलेंगे, आराम से पढ़ेंगे। एक बार पीटी कर लो। ठीक है, फ्रेश हो जाओ, साइड वाले को मार लो थोड़ा सा, चोक स्लैम, टूमस्टोन, आरकेओ, मारो दिया। आजू कोई नहीं, उसको मार। कोई मारो, सब मारो, शानदार, बहुत बढ़िया। सीरियसली मारने घायल लगले,
मारो एक दूसरे को, क्या तुम शान शान बैठे हो, मारो। नहीं मारना है, तेरा मारो, चलो मेरे सामने मारो, मैं नहीं मारता, मारा करके मारो। ऐसे कैसे कैसे नॉन वायलेंट लोग ये। चलो डन एवरीबॉडी, ओके स्टार्ट करें। अरे मारो एक दूसरे को, सोना ही है, मार उसको, मार 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 मार। चलो डन हो गया, मारा मारी। अरे खाए, और चीजें उड़ने लगी हवा में, बैग है। बस बस ओके, फ्रेश होना था, इसे फ्रेश होना था, ओनली फ्रेश। चलो हो गया सबका, आर यू गाइस रेडी? आगे लाइव स्ट्रीम में सब जिंदा है, कृपया खुद के जिंदा होने का सबूत दो। क्या पानी में नहीं पीऊ, घूमता है, तीन ही सेक्शन बाकी, घुमा तो घुमा। लाइव स्ट्रीम में रिया रिया जिंदा है, नेहा ने चाकू फेंक के मारा, लेट्स गो। अरे कैमरा को नहीं है, बस फोकस, आर यू गाइस रेडी? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर, ओके आर यू गाइस रेडी? बहुत सिंपल सेक्शन है, मतलब डिफिकल्ट रहा ना तो पढ़ाने में कुछ समझ में भी आए, टेंशन सिंपल सेक्शन का रहता है, इसलिए आपको पता है हम क्लास में हमेशा ऐसा बोलते हैं, फोकस। जब बच्चे हमें पूछते ना सर हमको टीचर बनने का है तो हम क्या करें, ऐसा आता है कई बार मन में कि सर हमको ना ऐसा, हमारे तरफ देख के ऐसा लगता है लोगों को कि बहुत अच्छा अच्छा लाइफ होगा, 2011-12-13 में मिलना चाहिए था हमें, तो तुमको समझता रहन दे, तू रहन दे, तू क्यों पराई औरत को छेड़ता है रे? लड़की का हेयर क्लिप कहां से आया तेरे पास, लड़की का हेयर क्लिप, लड़की का हेयर क्लिप कहां से आया? अरे फोकस बच्चों, अब ध्यान, मैं क्या कह रहा हूं, सो जाने दो, मैं डायरेक्ट पढ़ाता हूं, देखना सर्टिफाइड। तो नॉर्मली जब हमको सब लोग पूछते हैं कि भाई साहब सर हमको टीचर बनना है क्या करना पड़ेगा, तो हम एक डेफिनेशन बोलते हैं, सबसे इजी कंसेप्ट, सुनना, सबसे इजी कंसेप्ट जो सामने वाले को पढ़ के भी समझ में आ जाएगा, वो अगर तू लाख बार विद द सेम इंथुजियाज्म सेम स्पिरिट अगर पढ़ा सकता है तो तू टीचर बन सकता है। सी ऑलवेज रिमेंबर, टीचर के लिए डिफिकल्ट कंसेप्ट पढ़ाना इज एक्साइटमेंट, हाँ कुछ तो भी डिफिकल्ट है, कुछ तो भी पेलते, क्योंकि उसमें कुछ तो भी अच्छी चीज मिलेगी। रहने दे उसको, नीचे गिरा रहने दे, तू भी नीचे चल जा भिखारी। सो कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट पढ़ाना है ना तो टीचर को अच्छा लगता है कि नहीं यार चल लेट्स गो लेट्स डू दिस, ऐसे ऐसे कंसेप्ट आएंगे। अब आप सोचो इस कंसेप्ट को, मतलब सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट कि आरओसी ने प्लेस ऑफ बिजनेस पर रखना है, प्लेस ऑफ बिजनेस ने आरओ, इसको कैसे पढ़ाए लाख बार एंथुजियाज्म से, पर पढ़ाना पड़ता है। एक्चुअली एज ए टीचर दर्द वहां नहीं होता जहां पे तुमको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ाना है, वहां मजा आता है। पर्सनल रेसिडेंट इन इंडिया पढ़ाना है, वहां मजा आता है कि नहीं हाँ मजा आ रहा है, क्या पढ़ाऊ मैं, एलएलपी एक्ट क्या पढ़ाऊ मैं। सो दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि एक स्टीरियोटाइप होता है कि तुमको अगर खतरनाक चीजें पढ़ाते आती हो तो तुम अच्छे टीचर बन सकते हो। हाँ गलत है, तुमको वाहियत चीजें उसी एंथुजियाज्म से पढ़ाते आती हो बहुत अच्छे से, वो भी लाख बार कंसिस्टेंटली, तो तुम टीचर बन सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अगर कोई कंपनी इंडिया में प्रोस्पेक्टस इश्यू करना चाहती है तो उसने उस प्रोस्पेक्टस का एक सर्टिफाइड कॉपी जो चेयरपर्सन ने या दो डायरेक्टर ने साइन किया हो, मैं मार्किंग के लिए बाद में रुकने नहीं वाला, जो चेयरपर्सन या दो डायरेक्टर ने साइन किया हो विद रिजोल्यूशन अप्रूव्ड बाय द मैनेजिंग बॉडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर,
ये कॉपी फाइल करना है और साथ में बोला है ऑन द फेस ऑफ द कॉपी कि उसने आरओसी को यह कॉपी फाइल किया है एंड ये कॉपी आपने एक्सपर्ट ओपिनियन के सेक्शन 388 को कंप्लाई करके आरओसी को फाइल करना चाहिए, यह बोला है। मतलब इसके अंदर साथ में यह बोला है कि अगर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है तो उसका कंसेंट आपने साथ में अटैच करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर के साथ वो अटैच करना है, या कोई मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डिस्क्लोज करना चाहिए, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट है, याद है आपको सेक्शन 40 सेक्शन में हमने देखा था लिस्टिंग एंड अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग में हमने देखा था कि अगर कोई अंडरराइटर है उसका नाम उसके पर्सनल डिटेल और उसका कमीशन का रेट इक्विटी के ऊपर 5% डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर 2.5% ये आपने डिस्क्लोज करना चाहिए प्रोस्पेक्टस के अंदर। यहां पे आ गया, वहां साइड में लिख के रखिए सेक्शन 40। सेक्शन कौन सा बोले एक बार उसे 40 एंड कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी साइंड ड्यूली ऑथोराइज एजेंट और डायरेक्टर। डायरेक्टर और एजेंट का कोई ऑथोराइज कॉपी है पावर ऑफ अटॉर्नी का जो उनको इंडिया में काम करने के लिए हेल्प कर सके। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब डायरेक्टर ने किसी को पावर दिया है इंडिया में वर्क करने के लिए। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब जब सामने वाले को आप पावर देते हो किसी चीज को करने का। सो अगर प्रोस्पेक्टस इंडिया में इशू करना है तो किसी ना किसी को तो पावर देना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर कहां पे है बोले बाजो से फॉरेन में, तो इसलिए उसने पावर ऑफ अटॉर्नी का कॉपी देना चाहिए इंडियन पर्सन को। यह है सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार 389। नीचे पॉइंट्स लिख लो फटाफट। पॉइंट नंबर 1 लिखना सेक्शन 389 एवरी फॉरेन कंपनी शॉल नॉट इशू द प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक। एवरी फॉरेन कंपनी शॉल नॉट इशू द प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक unless following conditions are complied. Point number A, a copy of prospectus Shall be certified by chairman and by two directors. With approval of managing body. Point number B, on the face of prospectus, it is mentioned that it is delivered to the ROC. Point number C, it complies with the requirements of section 388. Complies with the requirements of section ka likhwa jo se 388 likh liya sabne, full stop. Point number 2, main point 2, the prospectus shall be annexed with point number A, written consent of expert under section 388. Written consent of expert under section कौन सा 388। Point number B, copy of a contract
with managing director or manager. Copy of a contract with managing director or manager. Point number C. Material contracts of ordinary business. Material contracts of ordinary business in last 2 years. Material contracts of ordinary business in last 2 years. Point number E. D. Underwriting agreements and details. Underwriting agreements and details. Point number E. Power of attorney of agent or director. Power of attorney of agent or director. Leave laga. Leave give me give me. Dekh liya? 389 yahan pe hota hai. समझ में आया? 390 का टेंशन आ रहा है. एडीआर आईडीआर जीडीआर सुना है, पढ़ा है हमने, कंप्लीट किया है. 391 390 का स्टार्टिंग का पैराग्राफ पढ़ के देखो, इमीडिएटली समझ में आएगा क्या है. बहुत ही वाहियात सेक्शन है, दिख इतना बड़ा रहा है, कंटेंट में कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ा दिख रहा है. क्या बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल मेक द लूल्स. पढ़ा सबने? तो उसमें बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है एडीआर जीडीआर आईडीआर के सभी रूल्स और रेगुलेशंस बनाने के लिए. एक्चुअली उसके अंदर वो छोड़ के कोई प्रोविजन नहीं दिया है, और नीचे जो उन्होंने प्रोविजन दिए है 234 के, वो तुम्हारे सिलेबस के नहीं है. 234 is a section which is regarding inspection and क्या बोलेगा जो से investigation, और ये general reading के लिए मैंने देके रखा है, जो तुम जिंदगी में कभी पढ़ोगे नहीं. ठीक है, गलती से कभी हवा आए खिड़की से, यही मॉड्यूल नंबर 2 गलती से खुल जाए और तुम गलती से पेज नंबर 11.28 पे आ जाओ और गलती से तुम्हारी नजर पड़ जाए और तुम्हें दिख जाए गलती से 234 है और गलती से पढ़ भी लो तो माय गॉड शिट मुझे याद हो गया करके बुक बंद कर देना. समझ में आया? ऐसी गलतियां नहीं कर देना. फिर उसके बाद में तुमको टेंशन आ रहा होगा 391 का, बोलो हाँ है ना, पढ़ के देखो एक बार. समझ में आया क्यों 2 घंटे में चैप्टर खत्म हो रहा था? अब समझा तुमको क्या चल रहा है. बाइबल बच्चों नहीं, आखिरी 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो है भाई, अब जो नहीं है वो तो वैसे ही. तो इसके अंदर वही बोला है उन्होंने कि सेक्शन नंबर कौन कौन सा अप्लाई करना है, 34 35 36. ये तो हम तुमको ऑलरेडी मालूम है, बोलो हाँ है ना. तो सेम चीज को रिपीट बोला है वापस से, खास तुम्हारे लिए 391 में. इसके आंसर राइटिंग पॉइंट चाहिए किसी को? अब मुझे बहुत अच्छे से ध्यान चाहिए, बिकॉज लास्ट 2 सेक्शन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. 392 पनिशमेंट का है एंड 393 पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन का है. ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना. ये दोनों के लिए एक मैं सुंदर सा चार्ट दे रहा हूं, पहले एक बार पेनल्टी पढ़ते हैं सिर्फ. ठीक है, एक काम करो, 92-93 एक बार खुद रीड करके देखो, बाद में मैं चार्ट दूंगा ही दूंगा, पर मैं ये चाहता हूं तुम्हें पहले खुद कुछ क्वेश्चन रेज हो. मैं पढ़ूंगा, तुम्हें क्वेश्चन रेज नहीं होंगे. मैं कुछ मार्किंग कराऊं चाहिए तो कर सकते हो.
पढ़ लिया सबने, कुछ समझा? अगर समझा है तो कंफर्म कर लो, मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं उसके साथ साथ में लिखने के लिए मैं समय दूंगा, सिर्फ बोर्ड के ऊपर पहले ध्यान दीजिएगा। समझो कोई फॉरेन कंपनी है, पहली बात फोकस प्लीज, समझो कोई फॉरेन कंपनी है, वो थर्ड पार्टी के साथ डील कर रही है, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी इंडियन होगी, क्योंकि इंडियन नहीं होगी तो हमारा उस ट्रांजेक्शन से क्या लेन देना, क्योंकि वो बाहर हो रहा होगा। अगर इंडिया में डील कर रही है तो इंडियन पार्टी होगी, बोलो हाँ है ना। नहीं भी इंडियन पार्टी होगी तो देश की धरती के ऊपर तो ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम तो अप्लाई इक्वल करेंगे, बोलो हाँ है ना। सो किसी भी थर्ड पार्टी इससे डील करेगी, नॉर्मली वो पार्टी का होगी इंडियन, और फॉरेन कंपनी ने अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है किस बात का, तो इस पूरे चैप्टर में से किसी भी प्रोविजन का, एनी प्रोविजन ऑफ फॉरेन कंपनी चैप्टर। तो दो कॉन्सिक्वेंसेस है गाइस, बहुत अच्छे से याद रखना। पहला कॉन्सिक्वेंस है पेनल्टी, जो मैं मेंशन करूं, पेनल्टी दो तरफा है। फॉरेन कंपनी के लिए पेनल्टी बोली गई है कितनी, 1,00,000 से रुपीज 1,00,000 टू रुपीज 3,00,000 प्लस रुपीज 50,000 पर डे फॉर कंटिन्यूस ऑफेंस। एंड ऑफिसर के लिए पेनल्टी है रुपीज 25,000 टू रुपीज 5,00,000, बोलो हाँ है ना, ये पेनल्टी लगी है। पर जिस भी कंपनी ने इस चैप्टर का कॉन्ट्रावेंशन किया है, वो कंपनी जब थर्ड पार्टी से डील कर रही है और इसमें कोई डिस्प्यूट हो गया, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, डिस्प्यूट, अब ये तो पेनल्टी आपका 392 कहता है, बोलो हाँ है ना, पर अगर डिस्प्यूट हुआ तो बात कौन करता है, 393 बोलता है कि फॉरेन कंपनी इस थर्ड पार्टी के ऊपर, फॉरेन कंपनी कैन नॉट सू सच अ थर्ड पार्टी, फॉरेन कंपनी इस थर्ड पार्टी के ऊपर सू नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, पर अगर इंडियन थर्ड पार्टी चाहे तो फॉरेन कंपनी के ऊपर सू कर सकता। हो गई, मैं सॉरी समझ गया, अरे बोलो हाँ है ना। सो फॉरेन कंपनी चाहे तो थर्ड पार्टी के ऊपर सू कर सकता है क्या, नहीं, पर थर्ड पार्टी फॉरेन कंपनी के ऊपर कर सकता है। दिस इज सेक्शन नंबर 393। समझ में आया पक्का, दोनों कॉन्ट्रावेंशन समझ में आया, डायग्राम देख के रखो। कितनी बेकार लोग है, क्या बोल रहे देखो ये, छी यार, मैं सुन भी नहीं सकता यार, सुन नहीं कर सकता, बोली शी कर सकता है, ऐसे तो जोक मारते हैं ये लोग, फिर तुम मेरे को बोलते हो तुम्हारे जोक बुरे है करके। ये तीनों, नेहा 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 ने बोला, नेहा ने, नेहा ने सेक्शन को नाम दिया, बोले सुसु सेक्शन, मेरे को अभी खतरे से खाली नहीं लग रहा क्लास लेना। दोस्तों बस करो, मतलब बचा क्या अब जीवन में, सिर्फ आंसर राइटिंग, दो क्वेश्चन लिखने हैं बस, और क्या। लड़की के इतने बेहतर ना के इसमें से, तो कैसे और दो क्वेश्चन कर रहे हैं।
बहुत सेक्स में तुमने देखना, तुमको मजा ही आ जाता था। हाँ चल लेवला के नहीं लेवला। हाँ एक मेन टास्क बहुत काम का बचा है, उसके सिवा अपन घर नहीं जा सकते। सेक्शन स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन कंपनी, ठीक है? उद्या नहीं आताच, आज आता ताबडतोब, ठीक है? लिख लिया सबने, हो गया? नाउ सबसे पहले काम करो, कितने सुनो, कितने याद आते हो पहले बोल दो, ठीक है? डेफिनेशन आती शांति, सीरियसली डेफिनेशन है टू सबसेक्शन नंबर 42 में, 379 में क्या है मीनिंग, फिर 380 में कंपनी, थोड़ा सा प्रोसीजर ले जाओ, आप एक स्टोरी बनाओ तो आपको याद होगा। 379 में मीनिंग है, फिर फॉरेन कंपनी इंडिया में आई तो उसने क्या करना है फाइलिंग, आते सी बिजनेस करेगी तो क्या बनाना है अकाउंट्स, अकाउंट्स बनाएगी तो क्या करेगी डिस्क्लोजर, सो 380 फाइलिंग, 381 अकाउंट्स, 382 डिस्क्लोजर, अकाउंट्स बनेगी डिस्क्लोज करेगी तो आरओसी को प्रोवाइड करेगी सर्विस, 383 सर्विस, क्लियर है? अब कंपनी यहां की बन गई तो सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, फिर हमने वो पढ़ा कि 71 182 182 सब एप्लीकेबल है, तो 18 सेक्शन 384 एप्लीकेबिलिटी, ठीक है? एक बार वापस से, 379 में मीनिंग इंडिया में आई, 380 में फाइलिंग, 381 में फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, 382 में क्या किया डिस्क्लोजर, 382 में अकाउंट्स दिए सर्विस, 384 में एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन, क्योंकि अब इंडिया में तो अब सेक्शन अप्लाई होंगे, 385 में फीस पे करो, फाइलिंग करिए तो फीस देना पड़ेगा ना, 386 वाईएच सेक्शन मीनिंग ऑफ टर्म्स, उसमें सब अपन ने वाईएच चीजें पढ़ी। यहां तक एक ग्रुप हुआ, यहां तक एक ग्रुप हो गया, एक बार वापस से, 379 में मीनिंग आई तो फाइलिंग, अकाउंट्स फाइल किए, अकाउंट से क्या मिला डिस्क्लोजर, 383 में सर्वे, 384 में कंपनी बनी तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन, 385 फीस पे करो फाइलिंग करना है तो पांडे, 386 में फालतू सेक्शन मीनिंग दिया है अलग अलग चीजों का, याद रखे ग्रुप हो गया, 387 388 389 390, ये सब का सब तो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है ना, 387 प्रोस्पेक्टस, उसका एक्सपर्ट ओपिनियन 388, उसका फाइलिंग 389 एंड सेक्शन नंबर 390, आईडीआर एडीआर जीडीआर एंड 91 में तो 34 से 36 एप्लीकेबल बोला है, सो ये दूसरा ग्रुप हो गया 387 से लेके 391 का, मतलब एक ग्रुप है 379 से लेके 386 का और दूसरा ग्रुप है 387 से लेके 391 का, क्लियर है सब सबको? हाँ है ना? दो बचे पेनल्टी एंड सुसु सेक्शन पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सुनो, एक बार वापस से, फॉरेन कंपनी बनी 379, इंडिया में आई 380, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल कर दो, फिर 391 में क्या बनाओ अकाउंट्स बनाओ, 392 में डिस्क्लोज करो, 393 में आरओसी को फेंके मारो, सॉरी 383 में आरओसी को फेंके मारो, 384 में सेक्शंस अप्लाई करो, 385 में फीस भरो फेंके मार रहे हो तो, 386 वाई आज सेक्शन एक ग्रुप खत्म, 387 में प्रोस्पेक्टस उसके अंदर एक्सपर्ट ओपिनियन 387 उसका फाइलिंग 389, 390 में एडीआर जीडीआर आईडीआर जो प्रोस्पेक्टस में भी हमने पढ़े थे, 391 में सेक्शन 34 से लेके 36 एप्लीकेबल, बोलो हाँ है ना? विष्णु जी जागी है तो विष्णु पोजीशन में सर आज, हाँ 34 से 36 क्या बोले बारों से एप्लीकेबल है ये सेक्शन कौन सा 391, 392 में पेनल्टी, 393 सुसु सेक्शन पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन, समझ में आया पक्का? एक बार आंखें बंद करके याद करके देखो पूरा, नहीं नींद बाद में आएगी पहले याद करो, ठीक है? एंड हो सकता है तो जो स्टार्टिंग का सेक्शन स्ट्रक्चर वाला है उसमें दो ग्रुप्स करो जैसे मैं बोल रहा हूं और इसको लिख के देखो, सेक्शन स्ट्रक्चर दो पार्ट में, फॉरेन कंपनी सेक्शन 379 से लेके 393,
पार्ट करो दो। सबसे पहला फाइलिंग वाला पार्ट, फाइलिंग एंड डिस्क्लोजर भी बोल सकते हैं इसको, और दूसरा वाला पार्ट प्रॉस्पेक्टस एंड जीडीआरस, प्रॉस्पेक्टस एंड जीडीआर। अभी इसके अंदर लाइन से 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386 हो गया, 387, 388, 389, 390, 391 हो गया। दोनों को करो कर्ली ब्रैकेट, लिखो कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन के दो सेक्शंस, पेनल्टीज एंड सुसु, पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन। लिख लो नाम। गुड मॉर्निंग, इधर इधर मैडम जाग रहे हैं। क्या हुआ? चलो डन एवरीबॉडी। लाइव स्ट्रीम में सबको सेक्शंस रिमेंबर हो रहे हैं? जरा बताइए। सर रावण ने बहुत पाप किए होंगे पर एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं लिया कभी। अच्छा था ना फॉरेन कंपनी, एलएलपी से तो अच्छा था। चलो सेक्शन के नाम लिखे ना सबने, से नंबर मत लिखना। सांगा नहीं करो ना याद, वही तो अभी टास्क है, दो मिनट का टास्क है वो, हार्डले घर जाके नहीं अभी। वर्क अंडर हाई प्रेशर, वर्क अंडर हाई प्रेशर अब बीच लिखना है सबने। फॉरेन कंपनी बन गई तो उसको अप्लाई करो सेक्शंस। नहीं याद आ रहे थोड़ा डिस्कस कर लो तो और क्लियर हो जाएंगे। थ्री एटी फोर में अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शंस। 387 इज याद कर ले। Are you guys ready? चलो स्टार्ट करें। क्या हुआ इतने जल्दी थक गए तुम? मेरे को लगा था और चार पांच सेक्शन पढ़ोगे। चलो आर यू गाइस रेडी? बोलो हाँ है ना। सो यहां पे सबने सेक्शंस लिख लिए,
ओके, एक बार शॉर्ट में फॉरेन कंपनी वापस है, मैं पूरा रिवाइज करवा दूं फटाफट फटाफट, सुन लीजिए उसके बाद में घर जाना, पूरा का पूरा सुन लीजिए अच्छे से, ऑडियो रिविजन करवा के मैं दे दूंगा, दिवाली में दूसरा कोई काम भी नहीं है मेरे को, फिलहाल के लिए सुन लीजिए। पहला पॉइंट, मेरे को आवाज नहीं चाहिए, आज से खड़ा करूंगा कल तक, ठीक है? तो अभी चुपचाप सुनिए। सबसे पहले हमने फॉरेन कंपनी शुरू किया, फॉरेन कंपनी के अंदर हमने सबसे पहली चीज पढ़ी फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, ले लो ऑडियो रिविजन ले लो, ले शुरू करो, इतना वैसे भी रिवाइज किया मैं कर रहा हूं, मैं तो मेरे को तो करने, तो तुमको नहीं करना मत करो। हाँ रेडी, पिन ड्रॉप साइलेंस ही, अभी पानी वानी पी लो। आर यू गाइस रेडी? पिन ड्रॉप साइलेंस रेडी, चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, 1 2 3 स्टार्ट। IAS, this is Darshan Gare, revising CA inter corporate and other laws, और आज हम revise करने वाले हैं chapter foreign company, जो है section number 379 से 393 and section 2 subsection number 42। सबसे पहले हमने foreign company chapter के अंदर देखा उसका meaning क्या है, definition के साथ and section number 379 के साथ। 2 subsection 42 जो foreign company का है वो define करता है कि foreign company मतलब कोई भी company या body corporate जो देश के बाहर incorporated outside India है। Point number 2, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। पॉइंट नंबर 3, और उस प्लेस ऑफ बिजनेस से वो बिजनेस कर रहा है इधर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। अगर ये सब कंडीशन कंप्लाई करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में उसको प्योर फॉरेन कंपनी कहा जाता है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन कंप्लाई नहीं की तो उस कंपनी को NA कहा जाएगा, नॉट अप्लीकेबल। अगर कोई प्योर फॉरेन कंपनी बनता है एज पर अबाउ डेफिनेशन तो सेक्शन 379 टेस्ट किया जाएगा। एंड 379 कहता है कि ऐसी कंपनी जिसमें 50% या उससे ज्यादा होल्डिंग अगर इंडियन कंपनी का होगा, मतलब कोई फॉरेन कंपनी है ऑलरेडी डेफिनेशन कंप्लाई कर रहा है और उसमें 50% या उससे ज्यादा होल्डिंग इंडियन पर्सन का होगा, तो उस कंपनी को डीम्ड इंडियन कंपनी का दर्जा दिया जाएगा और उसको कंपनीज एक्ट 2013 पूरा अप्लीकेबल किया जाएगा। लेकिन अगर प्योर फॉरेन कंपनी है उसमें मेजोरिटी होल्डिंग फॉरेनर्स का है तो उसे प्योर फॉरेन कंपनी का ही दर्जा मिलेगा और उसको प्योर फॉरेन कंपनी का चैप्टर 379 से 393 अप्लाई होगा। यह होने के बाद में हमने कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखे थे जो हमको याद रखने हैं। कोई भी एजेंट अगर होटल रूम से फॉरेन कंपनी का बिजनेस कर रहा है तो आपने याद रखना चाहिए कि वो जॉब बिजनेस के लिए आया या कि बिजनेस के वजह से आया। अगर कि बिजनेस के वजह से आया है तो उसको प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं मानना है, और बिजनेस के लिए आया है तो उसको प्लेस ऑफ बिजनेस मानना है। इसके ऊपर कई बार एग्जाम में सवाल भी आया है। साथ में मेंशन किया है सेक्शन 386 में कि अगर किसी कंपनी का बाहर के इंडिया में शेयर ट्रांसफर या रजिस्टर्ड ऑफिस है तो उसको प्लेस ऑफ बिजनेस मानना है। हमेशा एक पॉइंट आपने याद रखना चाहिए कि इंटेंशन टू डू द बिजनेस ये इंपॉर्टेंट है। भले ही एक भी प्रोडक्ट साल भर में सेल ना हो, भले ही प्रॉफिट हो या लॉस हो, पर आपका इंटेंशन बिजनेस करने का दिखना चाहिए तो ही उसको प्लेस ऑफ बिजनेस मानेंगे। एग्जाम में अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो तो आप अजम्पशन लेके आंसर लिख सकते हो कि इंटेंशन है या नहीं है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर गए थे। नेक्स्ट सेक्शन हमने देखा था सेक्शन नंबर 380 जो है फाइलिंग्स बाय फॉरेन कंपनी का। मेंशन किया गया है 380 के अंदर कि कोई भी फॉरेन कंपनी जो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करता है, उस फॉरेन कंपनी ने प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करते से ही 30 डेज के अंदर फॉर्म नंबर FC1 में दिल्ली ROC को फाइल करने हैं नीचे के कुछ डॉक्यूमेंट्स। जैसे 3 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, एंड डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग पर्सनल डिटेल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में फाइल करना है कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट सबसे पहले, क्योंकि फॉरेन कंपनी के बाहर के डॉक्यूमेंट्स को हमें नाम नहीं पता होगा तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट कहते हैं। दूसरा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, चौथा अगर उस कंपनी के कोई एडिशनल रूल्स जिसको बायलॉज कहते हैं वो होंगे तो वो, या एडिशनल अदर इंफॉर्मेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। एज अ रजिस्टर्ड ऑफिस प्लेस ऑफ बिजनेस के डिटेल्स में हेड ऑफिस जो फॉरेन में है उसके फुल डिटेल्स विद द एड्रेस, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस जितने हैं वो और उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और साथ में इसके पहले इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस खोला और बंद किया होगा तो उसके डिटेल। पर्सनल डिटेल्स के अंदर हमको फॉरेन कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरीज है उनके डिटेल्स, साथ में इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके डिटेल्स, नाम और एड्रेस, साथ में
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्वालिफाइड है या नहीं है इंडिया में फॉरेन कंपनी खोलने के लिए, इसके डिटेल्स, जिसके अंदर हमने विलफुल डिफॉल्टर्स का लिस्ट और ब्लैकलिस्ट वाले कुछ लोगों को जाना था। यह होने के बाद में हमने यह देखा था कि ये सभी डॉक्यूमेंट आपने आरओसी, दैट इज दिल्ली आरओसी को फाइल करने चाहिए, और ये रिकमेंडेड है कि जहां आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आरओसी को भी आप इसको फाइल करो। इन डॉक्यूमेंट्स में कभी भी कोई चेंज आता है वो आप फॉर्म FC2 में फाइल कर सकते हो विद इन 30 डेज, और आरओसी को यह रिकॉर्ड करना चेंज जरूरी है। यह होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन हमने देखा था, दैट इज सेक्शन नंबर 381, जिसके अंदर हमने अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन कंपनी मेंटेन किए थे। बोला गया है फॉरेन कंपनी ने सबसे पहले हर प्लेस ऑफ बिजनेस का अलग से अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, बैलेंस शीट एंड पीएनएल। इंडिया के सभी प्लेस ऑफ बिजनेस का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पीएनएल मेंटेन करना जरूरी है, और पूरे दुनिया का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पीएनएल फॉरेन कंपनी ने मेंटेन करना चाहिए। एडिशनली इसके सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब कर सकता है मेंटेनेंस के लिए, जिसके अंदर तीन आते हैं। पहला रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस डॉक्यूमेंट, दूसरा आता है रिपेट्रिएशन रजिस्टर, और तीसरा आता है रजिस्टर फॉर फंड ट्रांसफर। इसके अंदर रिलेटेड पार्टी डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेचर ऑफ रिलेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ रिलेशन, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, रीजंस फॉर ट्रांजैक्शन क्या है, मटेरियल इफेक्ट ऑन ट्रांजैक्शंस का दोनों पार्टीज के ऊपर क्या हो रहा है, कोई राइट ऑफ किया है एक्सपेंसेस या राइट बैक किया है कोई ड्यूज, आर्म लेंथ प्राइस क्या है, यह लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ रिपेट्रिएशन में आप कितना प्रॉफिट रिपेट्रिएट कर रहे हो उस देश में, रिपेट्रिएशन का मतलब होता है अपने देश को वापस लेके जाना पैसा, कितना आप हेड ऑफिस को लेके गए हो, रिपेट्रिएशन रिसिपियंट कौन है, रिपेट्रिएशन का फॉर्म क्या है, डेट्स क्या है, डिटेल्स क्या है, मोड ऑफ रिपेट्रिएशन क्या है, और रिजर्व बैंक ने आपको ये पैसा ले जाने के लिए अलाउ किया है क्या, यह बोलना है। सिमिलर चीजें आपको फंड ट्रांसफर रजिस्टर के लिए भी देनी है, जो फंड आपने बाहर से इंडिया में लाया हो। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का फाइनेंशियल ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, यह आपने एग्जाम में लिखना है, पर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है, कंप्लायंस ऑडिट CS करेगा, कॉस्ट ऑडिट CMA करेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 6 मंथ्स के अंदर आपने आरओसी को फाइल करने चाहिए। हालांकि इसमें और रिटर्न वाले एरिया में आपको कंफ्यूजन होगा, तो फॉरेन कंपनी ने हमेशा याद रखना फाइनेंशियल ईयर एंड से 60 डेज में रिटर्न फाइल करना चाहिए FC4 में, और 6 मंथ्स में डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल करने चाहिए आरओसी को। यह होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन हमने देखा था 382, जो है डिस्क्लोजर का। बोला गया है फॉरेन कंपनी ने उसका नाम, कौन से कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुआ, क्या लाइबिलिटी है, लिमिटेड अनलिमिटेड, ये तीन जगह पर डिस्क्लोज करना जरूरी है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो कंपनी के है, जैसे लेटर है, बिड है, लेटर पेपर्स एक्सेट्रा, ऑफर डॉक्यूमेंट के ऊपर जैसे प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट्स, एंड आउटसाइड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पे भी आपके प्लेस ऑफ बिजनेस है। 382 छोटा सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन 383 बहुत ही नगण्य सेक्शन है, काम का नहीं है, जिसके अंदर ये बोला है आरओसी ने फॉरेन कंपनी के प्लेस ऑफ बिजनेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए और फॉरेन कंपनी ने आरओसी को कम्युनिकेशन करना चाहिए। 384 में अप्लीकेबिलिटी बोली है कुछ सेक्शंस की जो फॉरेन कंपनी को अप्लाई होंगे, जिसके अंदर सेक्शन 71 डिबेंचर का अप्लीकेबल है, सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न का अप्लीकेबल है, सेक्शन 128 एनुअल अकाउंट्स मतलब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का अप्लीकेबल है, चार्जेस वाला चैप्टर 77 से लेकर 87 वाला अप्लीकेबल है फॉरेन कंपनी को, एंड इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर जो 206 से लेकर 230 तक के जाता है वो फॉरेन कंपनी को अप्लीकेबल हो जाएगा। इसी सेक्शन में यह बोला गया है कि FC4 में फॉरेन कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 60 डेज के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करना है, हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल अकाउंट्स ये 6 मंथ्स के अंदर फाइल करना है, ये हमने ऑलरेडी 381 में देख लिया। ये होने के बारे में हम गए सेक्शन नंबर 385, फॉरेन कंपनी ने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करते हुए रिक्वायर्ड फीस 385 में फिल करना है, कुछ काम का सेक्शन नहीं है। एंड 386 के अंदर कुछ वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन दिया है, जैसे सर्टिफाइड का मतलब होता है ट्रू कॉपी, डायरेक्टर का मतलब होता है फॉरेन कंपनी का डायरेक्टर जो मैनेजमेंट में बैठा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होता है, एंड प्लेस ऑफ बिजनेस में शेयर ट्रांसफर रजिस्टर्ड ऑफिस आएगा। ये ऑलरेडी हमने डेफिनेशन को क्लैरिफाई कर लिया है। ये होने के बाद में हम 387 सेक्शन के ऊपर गए, यहां से एक सेपरेट ग्रुप शुरू होता है जो है प्रोस्पेक्टस का। बोला गया है कि फॉरेन कंपनी जो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करे या ना करे, उस फॉरेन कंपनी को इंडिया में अगर शेयर इशू करने, सिक्योरिटीज इशू करने और फंड रेज करने, तो वो फॉरेन कंपनी इंडिया में प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, जिसके अंदर नीचे दिए गए डिटेल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बोला गया है आपने सेक्शन 26 के डिटेल उस फॉरेन कंपनी के अंदर कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस रखना चाहिए। दूसरा इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी मतलब MOA, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये लेना जरूरी है। ऐसा लॉ जिस लॉ में, जिस फॉरेन लॉ में ये फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, जैसे ब्रिटिश कंपनीज एक्ट वगैरह, उसके डिटेल्स देना जरूरी है। ये लॉ कौन से एड्रेस पे आपको अवेलेबल रहेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट कौन से एड्रेस पे इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा, वो एड्रेस देना जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपने ये सब चीजें मेंशन करनी है, साथ में डेट इन विच एंड डेट ऑन विच एंड कंट्री इन विच सच कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, ये देना जरूरी है, और साथ में कितने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, उसमें से प्रिंसिपल कौन सा है, ये भी आपको मेंशन करना जरूरी है। इसके एडिशन में मेंशन किया गया है
फॉरेन कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में यह भी मेंशन करना है कि उसने फॉरेन कंपनी चैप्टर के सभी प्रोविजन को कंप्लाई किया है एंड एक्सपर्ट ओपिनियन के सेक्शन 388 को भी उसने बहुत अच्छे से कंप्लाई किया है। यह प्रोविजन प्रोस्पेक्टस की उन शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर्स या उस प्रोस्पेक्टस को नहीं लगती जब एग्जिस्टिंग टाइप शेयर होल्डर्स को एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर को सिमिलर टाइप के सिक्योरिटीज आप इशू कर रहे हो जो ऑलरेडी आपने इशू किया है। ये एक्सेप्शन ऑलरेडी हम सेक्शन 26 में देख चुके हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई हमने इसको यहां पे नहीं लिखा है। उसके बाद में मेंशन किया गया है फॉरेन कंपनी का सेक्शन नंबर 388 जिसमें यह बोला गया है कि किसी भी एक्सपर्ट ने अगर फॉरेन कंपनी को कोई भी ओपिनियन दिया है तो वो ओपिनियन फॉरेन कंपनी ने तब तक के आरओसी को फाइल नहीं करना चाहिए और पब्लिक में सर्कुलेट नहीं करना चाहिए जब तक उस एक्सपर्ट से रिटन कंसेंट नहीं आता है। और साथ साथ में बोला गया है कि ऐसे सिचुएशन में प्रोस्पेक्टस इशू करते वक्त फॉरेन कंपनी ने सेक्शन 33 से लेकर सेक्शन 40 ऑफ द प्रोस्पेक्टस चैप्टर कंप्लाई करना जरूरी है। यह चीज होने के बाद में मेंशन किया गया है कि फॉरेन कंपनी ने सेक्शन 388 एक्सपर्ट का कंप्लाई करने के बाद 389 में इसको फाइल करना जरूरी है प्रोस्पेक्टस को। प्रोस्पेक्टस को फाइल करने के लिए नीचे के कुछ कंडीशंस कंप्लाई करना जरूरी है जिसके अंदर सबसे पहला कंडीशन है चेयरमैन और साथ में दो डायरेक्टर का साइन चाहिए और मैनेजिंग बॉडी का यहां पे सिग्नेचर चाहिए या अप्रूवल चाहिए। मैनेजिंग बॉडी वर्ड यूज किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह पे क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेशन इंडिया में यूज होता है, फॉरेन कंपनी बाहर की होती है तो इसलिए उसको मैनेजिंग बॉडी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट बोला गया है कि फॉरेन कंपनी के प्रोस्पेक्टस के फेस के ऊपर मेंशन करना है कि ये प्रोस्पेक्टस आरओसी को ऑलरेडी फाइल किया गया है। तीसरा बोला है सेक्शन 388 के सब एक्सपर्ट के प्रोविजन विद कंसेंट वाले आपने कंप्लाई करना जरूरी है। साथ में ये बोला गया है इस प्रोस्पेक्टस को कुछ चीजें आप अनेक्स कीजिए जैसे एक्सपर्ट का रिटन कंसेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको बहुत भारी लगते हैं जैसे सब्सटेंशियल बोरोअर, सब्सटेंशियल लेंडर, सब्सटेंशियल सप्लायर, सब्सटेंशियल डेटर, सब्सटेंशियल क्रेडिटर एक्सेट्रा। साथ में अंडरराइटिंग एग्रीमेंट है एस पर सेक्शन 40 हमने ऑलरेडी देखा है अंडरराइटर उसके डिटेल्स उसका कमीशन कितना वो अंडरराइटिंग कर रहा है ये डिटेल्स आपको देना जरूरी है। उसके एडिशन में बोला है पावर ऑफ अटॉर्नी अगर इंडिया के किसी पर्सन को दिया गया है प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए तो वो भी मेंशन करना जरूरी है। ये सेक्शन नंबर 389 होने के बाद हमने 390 में देखा इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स और हमने ये देखा है सेक्शन इंपॉर्टेंट इतना नहीं है बट स्टिल मेंशन कर दूं, ये देखा है कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स के रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजन अप्लीकेबल होते हैं वो सब प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राफ्ट कर सकता है और इसके रिगार्डिंग रूल्स भी सीजी बना सकता है, बस यही यहां पे बोला है। हालांकि आईडीआर एडीआर जीडीआर का हमने अच्छा नॉलेज ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस चैप्टर में सेक्शन 41 में ले लिया है। फिर सेक्शन नंबर आता है 391 जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि फॉरेन कंपनी के इस प्रोस्पेक्टस को आपके सेक्शन नंबर 34-36 प्रोस्पेक्टस चैप्टर के अप्लाई होंगे जिसमें से सेक्शन 34 है क्रिमिनल ऑफेंस का, सेक्शन नंबर 35 है सिविल ऑफेंस का एंड सेक्शन 36 है इंड्यूसमेंट का और वो सभी प्रोसिक्यूशंस और इंड्यूसमेंट यहां पे एप्लीकेबल होंगे। इन प्रोविजंस के हिसाब से अगर जरूरत पड़ी और फॉरेन कंपनी ने कुछ गलत किया है तो उसको वाइंडिंग अप के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल किए जा सकते हैं सेक्शन 376 के हिसाब से। यह होने के बाद में फिर दो सेक्शन आते हैं कॉन्ट्रावेंशंस के लिए, उसमें से 392 है कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी एंड 393 है पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन। 392 के अंदर बोला गया है कि फॉरेन कंपनी ने इस चैप्टर के किसी भी प्रोविजन को अगर कंप्लाई नहीं किया तो कंपनी और ऑफिसर को अलग अलग पेनल्टी है। कंपनी को पेनल्टी है ₹1,00,000 से लेके 3,00,000 और कंटिन्यूअस ऑफेंस है तो ₹50,000 पर डे का फाइन है। ऑफिसर का अगर डिफॉल्ट है तो उसको पेनल्टी दी गई है ₹25,000 से लेके 5,00,000 तक के, 25,000 to 5,00,000। इन एडिशन टू दिस सेक्शन 393 बोलता है इस चैप्टर के प्रोविजन अगर आपने कंप्लाई नहीं किए या कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रावेंट किया और आप इंडियन थर्ड पार्टी से अगर डील करते हो तो ऐसे सिचुएशन में फॉरेन कंपनी इंडियन थर्ड पार्टी के ऊपर कोई भी लिटिगेशन या केस नहीं कर सकता, हाउएवर वो थर्ड पार्टी फॉरेन कंपनी के ऊपर लिटिगेशन या केस कर सकता है। यहां पे आपका फॉरेन कंपनी का रिविजन होता है खत्म। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, विजिट करना ekatvamacademy.com को। चलो सो यहां फॉरेन कंपनी चैप्टर भी आपका होता है खत्म। सबको समझ में आया अच्छे तरीके से? चलो बहुत बढ़िया, तो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। दिस इज बस, और पढ़ाना है? चलो अगला चैप्टर ले। एक सेकंड, एक मिनट रुक जाओ प्लीज, एक चीज बोलनी है सिर्फ, दो मिनट। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टेटस बोल दूं, वैसे कल मॉर्निंग में तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा बट रफली सुन लो एक मिनट के लिए सिर्फ, ठीक है? थोड़ा सा लेट होगा, आई एम वेरी सॉरी, बट सुन लो। पूछो, बैठो, दो मिनट बैठो। पहली बात, कल आपका मॉर्निंग में बहुत ज्यादा चांसेस है डिपॉजिट चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। अब इसका एक तकलीफ यह है कि पिछले दो दिन में हम तीन चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं, मतलब एलएलपी जिसका कोई सेंस ही नहीं है,
फॉरेन कंपनी जो इटसेल्फ बहुत छोटा था, डिपॉजिट पांच सेक्शन वाला चैप्टर है, हम तो उसको जबरदस्ती लंबा खींच रहे हैं। सेक्शन वाइज चैप्टर आज खत्म हो चुका है, वैसे हम कल उसके रूल्स को भी कंप्लीट करेंगे। सुन लो, पहले शांति से सुन लो, ये तीन चैप्टर के लिए स्टिल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि हमारे कॉन्फिडेंस का राज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। तो ये तीन चैप्टर्स को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर पर चैप्टर मिनिमम 4 से 8 मार्क है। तो मैं इन ही तीन चैप्टर्स के तीन 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 क्वेश्चंस दिवाली के ड्यूरेशन में दे रहा हूं। अगर आप ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, मार्क माय वर्ड्स, अगर आप ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगले दिवाली के अंदर ये आने वाले 7 दिन में नहीं करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, यहां तक आपको फीलिंग आ सकते हैं कि ये चैप्टर बहुत फास्ट कंप्लीट हुए हैं, पर मैं इन चैप्टर्स को प्रॉपर डिटेलिंग के साथ में लिखवा देके विथ ऑडियो रिविजन कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सेंस क्रिएट होने के पहले या ये फीलिंग आने के पहले कृपया आंसर राइटिंग करे, अदरवाइज इट इज बाउंड टू हैपन। और दूसरी बात, मेरे पास ऑप्शन रहता तो मैं रेगुलर बैच में ही इसको पढ़ाता था, बट एज यू ऑल्सो नो कि अपने पास ऑप्शन नहीं है। अगर ये तीन चैप्टर अभी कंप्लीट हो रहे हैं तो इसके बाद में दिवाली के बाद अपने सिर्फ तीन चैप्टर्स बाकी रहते हैं, ऑडिट, जनरल क्लॉजेस एंड इंटरप्रिटेशन। इससे अपना काम बहुत आसान हो गया है, हम 30 नवंबर को एनी हाउ हमारा सिलेबस ठोक बजा के कंप्लीट करेंगे। समझ में आया? पक्का आइडिया क्लियर है? पिछले 2 दिन में जो भी लोग आए हैं क्लास में, तुम सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने अगले 4 घंटे मेरे को कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे झेला। ठीक है, उस वजह से अपना कंटेंट कंप्लीट हो चुका। ठीक है, कल आपका एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग के 8 बजे के लेक्चर के अंदर आ जाइएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू, बोलो जोर से, बोलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू। एंड आज सच में तुम्हारा कैपेसिटी मेरे को दिख गया, थैंक यू सो मच। मतलब ईमानदारी से बैठो और शांति से बैठो, मानना पड़ेगा आज के लिए आई एम वेरी हैप्पी।